Second, Aikman. Just hold on a second. Incidental Kasim, aap baat kar lo, aap apni introduction kara do. Yeah. Okay, guys. I'm Kasim Khatak, batch 17, materials engineering. ये मुजम्मिल तुम्हारा जो है ना क्वेश्चन तुमसे बेहतर मेरे से ज्यादा कोई दर्द नहीं समझ सकता जीपीए का. So I'm working for Kian actually right now as a head of business development and sales. I joined them last year. So it's a furniture industry. So I'm more into sales and business development now. That is it. Baki apni story Sohaib abhi continue karta, so after that I'll tell you about my thing, ke how GIK happened to me and what we did at GIK. So that's it. Okay. So I graduated back in 2011, okay? Or when I graduated, I'm from EE. So mere paas do job offers thi. Ek software house mein thi to start as a software engineer. और दूसरी थी इन कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में, जब कराची इलेक्ट्रिक है, ठीक है. एंड आई हैड टू जॉइन देम एज अ सैप कंसल्टेंट, एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैंने उनको जॉइन किया था, ठीक है. तो लेकिन दोनों जॉब्स ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट से नहीं हुई थी, सीनियर्स के थ्रू हुई थी. एंड आई वॉज प्रोएक्टिव इनफ that I was in touch and had made connections, ke un seniors ne meri help ki, and they, you know, by the time I graduated, I had a couple of job offers, theek hai. But ultimately took the job offer from KESC, worked there for a year, par un dino mein Karachi ke halaat bahut zyada kharab the, so I just resigned and moved to UAE, theek hai. Sounds smooth, right? Lekin ek saal mein Karachi mein aap kitni saving kar sakte hain? Or it was a big decision to resign and move to UAE. Or मैं जब मूव हुआ तो मुझे जॉब नहीं मिली. मैं 3 months के विजिट वीजा पे गया, ठीक है. उस वक्त सबको क्रेज था कि ऑयल एंड गैस में जाना है, ऑयल एंड गैस में जाना है, राइट. मैं 3 months के विजिट वीजा पे गया UAE, जॉब नहीं हुई. मैं वापस आया पाकिस्तान, 6 months जॉब नहीं हुई. अच्छा, by the way, Sohaib, यहाँ पे यार प्लीज अपना GPA जरूर बताना यार. मेरा GPA 3.05 है. फिर वो डिप आता गया, जैसे ऐसे लाइक डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट और जीआईके एज अ, मतलब मैं बहुत ज्यादा वहां पे ना जीआईके के बारे में बुरी बातें भी करता होता था, ठीक है. मतलब मुझे इवन जुनैद मुगल साहब होते थे पहले उस टाइम पे डीन इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने मुझे स्पेशल मैसेज भी जो आया था कि अगर तुमने बकवास बंद ना की तो तुम्हें निकाल देंगे, ठीक है. तो यू कैन इमेजिन माय स्टेट ऑफ माइंड इन दोस डेज, ठीक है. तो जीपीए भी डिप डाउन कर गया था, लेकिन व्हेन आई वाज, जब एक साल रह गया तो मेरा जीपीए हैंग कर रहा था अराउंड 2.9. तो मेरा था कि नहीं, एक तो जीपीए 3 से ऊपर लेके जाना है कुछ भी करके, ठीक है. तो आई वर्क हार्ड इनफ के फिर मतलब फाइनल प्रोजेक्ट में, आप फाइनल सेमेस्टर में आप सबको पता है जीपीए ज्यादा आता, तो बस कर करा के लास्ट में 3.5 लेके मेरा क्यूमुलेटिव 3 से ऊपर चला गया, ठीक है. तो या तो खैर ये तो जीपीए की बात होगी. अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ आपकी के स्ट्रगल्स की, के पाकिस्तान में हालात नहीं थे, पैसे अच्छे नहीं थे, शौक भी बड़ा था ऑयल एंड गैस में जाना है, तो आई जस्ट रिजाइंड और मतलब मैं चला गया यूएई. उधर 3 महीने नहीं हुई जॉब, फिर वापस आया 6 महीने जॉब नहीं हुई. फिर मैं एक और जितने भी पैसे बचे थे मेरे, मैं वो लगा के एक फाइनल में, लाइक यू कैन इमेजिन माय स्टेट ऑफ माइंड के क्या सिचुएशन होगी. मैं फिर थ्री मंथ्स के एक और विजिट पे गया. उस विजिट के लास्ट मंथ में जाके मेरी जॉब हुई थी, लास्ट वीक में जाके, सॉरी, ठीक है. तो इट टुक मी 1 ईयर टू लैंड माई फर्स्ट जॉब इन UAE, ठीक है. और उस टाइम पे मैंने 4000 दिरहम से स्टार्टिंग ली थी, जो कि कुछ भी नहीं, लाइक लिटरली फॉर UAE इट्स नथिंग, ठीक है. लेकिन जो मेरी पहली वो जॉब भी UAE की हुई, वो एक GIK के सीनियर की वजह से हुई, ठीक है. ही हेल्प मी,
एंड विद इन वन ईयर आई वॉज वर्किंग ऑन एन ऑयल रिग, वहां पे मुझे एक और जी आई के सीनियर मिले फ्रॉम बैच 9, उनके साथ लिंक बना, उनकी कंपनी में जॉब आई, ही रिकमेंडेड मी और उधर भी मेरी जॉब हो गई. And from there things turned positive. Like I started making decent money in the oil industry. फिर बीच में मैंने कनाडा की इमिग्रेशन ले ली और 2018 के स्टार्ट में मैं यहाँ पे मूव हुआ. अल्बर्टा की ऑयल फील्ड में मैंने यहाँ पे फिर जॉब की और वो किस तरह जॉब की, नेटवर्किंग के थ्रू मुझे जॉब मिली 2018 में. आप में से आई डोंट नो कितने लोगों को पता या नहीं पता, ऑयल इंडस्ट्री के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे. ठीक है, like since 20 end of 2014 oil industry has been on the decline, but I'm still able to leverage the skills jo maine khajalat kaati thi middle east mein. Theek hai, it paid off. Like I knew how to talk to people, how to network, how to navigate through a difficult environment. To jo pehli job thi wo maine is tarah pakdi thi ki पहले तो मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे दूं कि जॉब हंटिंग किस तरह होती है और क्या, मतलब आप, मैं आपको मिसाल देता हूं. मैं गया कनाडा, मूव हो गया अल्बर्टा, मेरा छोटा भाई उधर नहीं कर रहा था, आई हैड नो जॉब, ऑयल इंडस्ट्री में हायरिंग हो ही नहीं रही थी. तो व्हाट आई डिड वाज आई लुक्ड इनटू ऑल द ऑयल कंपनीज जिनके मुझे नाम पता थे और जिनको मेरा था कि इन लोगों के साथ मैंने काम किया, इनके काम का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये क्या करते हैं. Not exactly 100%, लेकिन थोड़ा वो. So I can't. नहीं नहीं, that's good. I think आपकी जो आपने बड़ा अच्छा point mention किया कि networking is key, right? So looks like networking was the common factor when you move around. Kasim, आपका क्या रहा है? आपके क्या, did you use networking or how did you leverage? ओके, व्हेन आई वाज इन जीआईके 1, एक जब मैं फाइनल ईयर में था तो एक यार जीपीए तो मेरा बिल्कुल ही, सबको बता दूं बिल्कुल, ये स्वेप का तो बहुत ही अच्छा था, थीटा था, बिल्कुल थीटा था, यानी ना हमारा तो बहुत बैड सीन होता था, यानी हमारी जो ढाई ले लेते थे तो ऐसा होता था चौका मार लिया हमने. तो ये था कि यार व्हेन आई वेंट टू जीआईके ना, पहले तो हमें शुरू में खैर गाइडेंस ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं होता था. लाइक मैंने मैट्रिक एफएससी किया था, ए लेवल्स ओ लेवल्स वालों को फिर भी थोड़ा नेटवर्किंग एंड यू नो लाइक देयर better groomed than us. No disrespect to FSC or matric wale, lekin that's the truth actually. तो होता ये है कि हम लोग गए ना तो हम लोग तो ऐसे आजादी में थे, तो मैंने तो भाई ने आपके पहले तो दो probations मार ली ना सीधे ही पहले दो semesters में. उसमें मैं ग्राउंड में पाया जाता था honestly, सिर्फ खेल कूद में क्रिकेट और फुटबॉल ही चल रहा होता था. उसके बाद ये हुआ लाइक जब हुआ प्रेशर के यार अब तो फारिग कर देंगे तो अब पढ़ना पड़ेगा, तो देन यू नो आई गॉट. बट वन थिंग अगेन जो सुभान भाई ने भी कहा और जो सुहेब ने कहा, क्रिकेट मैंने सिर्फ क्रिकेट के लिए तो खेली बट मेरी उसमें नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी. ठीक है, मुझे ये डबल ई के ही थे, सुहेब नोज देम, बैच 15 के इश्तियाक भाई आजकल एप्पल जर्मनी में होते हैं, फहद भाई होते थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक्चुअली यार हम भी, वो भी ग्राउंड में होते थे लेकिन उनका जीपीए 3.6 3.7 से नीचे ही आता था. तो एक्चुअली दे गाइडेड मी कि यार आपने किस तरह पढ़ना है, हाउ टू यू नो लाइक हैव अ, आई वोंट से वर्क लाइफ बैलेंस बट यू नो लाइक वो एजुकेशन और आपको अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बैलेंस किस तरह आपने करना है. सो व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर तो आई वाज प्रीटी क्लियर कि मुझे मास्टर्स के लिए जाना है. सो आई वेंट टू यूके, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी, मैंने वहां से मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में किया मास्टर्स अपना. पाकिस्तान मुझे वापस आना ही था बिकॉज ऑफ द फैमिली रीजंस, तो मैं वापस आया और ऑनेस्टली उस वक्त 2012 में लाइक कोई सीन ही नहीं था, ना कोई हायरिंग कर रहा था उस वक्त और रिसेशन के बाद भी बहुत बैड सीन हो चुका था. तो मैं वैसे ही पता नहीं कितने सीवीज मैंने भेजे इधर उधर ना, उस वक्त हमें लिंक्डइन का, दैट इज वाई मैंने सुभान भाई को भी कहा कि थोड़ा एडमिन साइड भी हमारा इस पे लीड ले ले ताकि स्टूडेंट्स को गाइड कर दें, हमें इतना नहीं पता था. तो मुझे एक रैंडमली कॉल आ गई जी इंटरवोड से, पता भी नहीं था इंटरवोड बनाती की और मैं इंटरव्यू देने जा रहा था फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर. बट व्हाट वाज द की, अनदर की वाज द रिसर्च कि प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियरिंग होती क्या. इंटरव्यू से पहले बैठने जा रहा हूँ तो पढ़ के गया था कि होता क्या है. तो वो वहां गए, वहां पे इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, जॉब शुरू कर दी. तकरीबन 2 साल हुए यू नो लाइक वर्किंग इन अ लेबर. यूके से आप आए हो एंड ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज और यहाँ पे ऐड अप कर दूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि फ्रॉम वेयर आई कम और कहाँ तक मैं ग्रो करके गया.
मैं यूके से मास्टर्स करने के बाद यार मैंने 15,000 पे जॉब शुरू की थी, ठीक है, एंड आई एम, इसमें मुझे कोई बताने में नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हालात बहुत टफ होते हैं. 15,000 में जॉब शुरू की 2012 में. ये एक चीज पता थी, जीपीए नहीं था, कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मेहनत करनी है ये मुझे पता था. तो जो भी टास्क मिला सब कुछ किया उसको ऑनेस्टी और हर लिहाज से सही तरह से किया. आफ्टर 6 months मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि बैच वन के जो GIK के अली फारूक हैं, ही इज वन ऑफ द यू नो डायरेक्टर्स एंड ओनर्स ऑफ इंटरवर्ल्ड. मैंने वो चीज एंड आई मेट हिम आफ्टर 7 months. फर्स्ट हमारा एलुमनाई रियूनियन हुआ था ग्रेजुएशन के बाद 2013 में. उसमें मैं उन्हें खुद जाके मिला और मैंने उन्हें बताया कि यार आई वर्क फॉर योर कंपनी. लाइक ही वाज यू नो आउट ऑफ नोवेयर, ही वाज इन अ टोटली सेपरेट डिवीजन. आई वाज इन प्रोडक्शन, ही वाज लुकिंग आफ्टर सेल्स एंड मार्केटिंग. बट ये था कि मैंने आई जस्ट वांटेड हिम टू नो कि आई एम वर्किंग फॉर हिम, यू नो, फॉर हिज कंपनी. तो वहां से एक आपका कनेक्ट डेवलप होता है. एक अच्छी चीज ये है जीकेएंस की कि वो एक दूसरे का ख्याल जरूर करते हैं अगर आप उन्हें अप्रोच करो. ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी सुनते नहीं है या आपको गाइड नहीं करते. इट्स लाइक ऑल अबाउट द अप्रोच, यू नो. देन आई गॉट इन टच विद पीपल, करता रहा. व्हाट आई एक्सप्लोर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज कि मुझे लगा कि यार मैं इस जॉब के लिए ही नहीं हूँ. कहीं पे भी, चाहे मुझे ऑयल एंड गैस में भेज दो पहाड़ों में, या मुझे आप किसी नेस्ले में भेज दो या किसी में, मैं प्रोडक्शन का बंदा नहीं हूँ. दैट इज व्हाट आई एक्सप्लोर्ड अबाउट माई सेल्फ. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो लकीली इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुझे सब पता था कि आप सेल्स में आ जाए. सो आई मूव्ड इनटू कॉर्पोरेट सेल्स. मुझे था कि यार थोड़ा सोशलाइज करना है, नेटवर्किंग होगी, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लिंक्स बनेंगे. देन आई मूव्ड इनटू कॉर्पोरेट सेल्स और फिर उसी में ग्रो करता गया अल्हम्दुलिल्लाह. देन आई स्विच, मेरी पहली जॉब थी इंटरवर्ट एंड आई स्विच माय फर्स्ट जॉब आफ्टर 8 years. ठीक है, तो ये मैं इनकरेज नहीं करता वैसे कि आपको हर 3 साल बाद, ठीक है, कि टू मूव ऑन टू ग्रो you need to change, you know, keep changing your job. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छी opportunity and you're growing after like regular intervals और उसके आप grow कर रहे हैं, तो आप अपनी उसी पे ही, you know, you stay over there. ये नहीं है कि just like 5-10,000-20,000 के लिए आप job switch करते हैं और अपने career पे को दाव पे लगाते रहे. Just focus, you know, have some goals और आप उसको लेकर चलें तो इंशाल्लाह मिल जाएगा. मेहनत जरूरी है. थोड़ी दो बातें इनके बीच में आई कि कासिम वाज लकी इनफ टू गो टू यूके आफ्टर ग्रेजुएशन टू डू हिज मास्टर्स. ठीक है, हिज पेरेंट्स कुड अफोर्ड इट और व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट. माय पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड इट. ठीक है, मतलब उन्होंने इवन मेरे दूसरे भाई को भी उन्होंने फिर नस से पढ़ाया, दे कुड नॉट अफोर्ड इवन GIK. मेरा जर्मनी में एडमिशन भी था उस टाइम पे मास्टर्स में. ठीक है, लेकिन जस्ट टू टेल यू पीपल के हाउ आप में भी से में भी कई लोग हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन सेम नहीं होगी और काफी चीजें इस तरह की होंगी जो कि तो मैं नहीं कर सका उस टाइम मास्टर्स. मैंने अभी तक नहीं किया. ठीक है, मैं अभी इस साल के एंड में जा रहा हूँ, मतलब आफ्टर 10 years ऑफ माय ग्रेजुएशन आई एम इन अ फाइनेंशियल सिचुएशन टू गो एंड डू अ मास्टर्स फ्रॉम US. ठीक है, तो उसमें वही है कि हर बंदे की अपनी स्ट्रगल और अपनी स्टोरी है. ठीक है, एंड यू हैव टू वेट इट आउट. ठीक है, Secondly, approach seniors. आप GIK में जितने भी हैं या जो नहीं भी हैं, ठीक है, यूज LinkedIn या आप सोसाइटीज में जिन सीनियर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं आफ्टर दे ग्रेजुएट, स्टे इन टच विद देम. ठीक है, तो दिस थिंग विल हेल्प यू अ लॉट लेटर व्हेन यू ग्रेजुएट और इवन इफ यू आर अ ग्रेजुएट राइट नाउ एंड यू अप्रोच योर सीनियर्स, दे आर मोर देन विलिंग टू हेल्प. ऑल द पीपल आई अप्रोच, दे डिड हेल्प वन वे और दी अदर. ठीक है, उसमें सिर्फ एक इशू ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में ओवरऑल ये माइंडसेट है कि आप किसी से भी अप्रोच करें तो नहीं जी उसने जी, अगर उसे रिप्लाई नहीं कर सका आपको टाइम पे, या मे बी ही कांट हेल्प यू, राइट, मे बी ही इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो आपकी जॉब करा दे. पाकिस्तान में होता है कि नहीं, मैंने CV दिया जी मेरी, तो बस आप जॉब करा दे. ठीक है, वर्ल्ड डजंट वर्क दैट वे. यू हैव टू बिल्ड कनेक्शंस. आप किसी के पास जॉब होगी भी तो भी हो सकता है वो आपको जॉब के लिए रेफर ना करे. Why? Because he does not know you and he would not put his reputation in the company at stake by forwarding the resume of completely unknown person. तो yeah, बिल्कुल सही, आपने सही बात की. तो let me just take a minute क्योंकि we are almost 20 minutes into this session. तो एक तो मैंने आप सब लोगों को ये बताना है कि आप अपने अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप भी कर सकते हो चैट विंडो में इफ़ यू हैव एक्सेस. और दूसरी बात ये कि
लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. आपने स्टोरीज तो सुन ली है एंड वी ऑल हैव अ फ्यू अदर पीपल हु कैन शेयर देयर स्टोरीज एज़ वेल. लेकिन आई वुड लाइक टू हियर कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं. आपको मुजम्मिल ने एक जीपीए का क्वेश्चन किया था. सुहेब और कासिम, आप उसको डील करना चाहते हो या और यू थिंक यू हैव आंसर्ड इट? नहीं, जीपीएस से कर लेते हैं डील दोबारा से. मेरे ख्याल से जीआईके का ये एक प्रॉब्लम हमारे टाइम में भी था कि आई वाज अ गुड स्टूडेंट बैक इन एसएससी और व्हाटएवर, ठीक है. लेकिन जीआईके में बड़ी मुश्किल से मैं 3 पे ग्रेजुएट हुआ, ठीक है, क्योंकि एवरेज जीपीए कम रखते हैं और ये एक प्रॉब्लम है. इट विल हर्ट यू ऑल योर लाइफ, ठीक है. मैं ये नहीं कहता कि लाइक इसमें वो होगा, ठीक है, लेकिन जस्ट होल्ड ऑन अ सेक, जस्ट होल्ड ऑन. किसी और का क्वेश्चन? मैं कर देता हूँ यार अपना जीपीए का. मैं सुभान भी बता दूं यार, हमारा तो, आप तो सिर्फ जीपीए का कह रहे हो ना कि आपके एवरेज जीपीए इस तरह रखा जाता था. हमारा तो एक था, हमें तो भाई यूनिलीवर और इधर उधर तो वो टेस्ट में भी नहीं बैठने देते थे. वो कहते थे डबल ई एम ई और सी एस वाले आ जाए, एम एम वाले तो आई ना. हमारा लाइक यू नो लाइक इट हैज बीन अ स्ट्रगल. वो आप सही कह रहे हो, बट द गुड थिंग इज मैंने अब सुना है, लाइक आई वाज टॉकिंग टू 26 और 25 के, उससे बात हो रही थी मेरी, तो दे टोल्ड मी कि अब एमएम वालों को भी मौका दिया जाता है कि दे कैन कम एंड रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द एंट्री टेस्ट एंड ऑल. जीपीए अगर आपने तो एकेडेमिया को फिर, लेकिन टू पास है, ठीक है, या तो आप यू गो डायरेक्टली फ्रॉम ग्रेजुएशन टू मास्टर्स और मास्टर्स लीडिंग टू अ पीएचडी पाथ, ठीक है. मास्टर्स के लिए ऑब्वियसली यू नीड जीपीए, टॉप यूनिवर्सिटीज में 3.5, नहीं तो तमाम यूनिवर्सिटीज 3 मांगती है. 3 से नीचे डिसेंट यूनिवर्सिटी में घुसना मुश्किल है. तो ठीक है, 3.5 लेना चाहिए कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जो स्पेशली अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए कि किसी तरह कोशिश करके 3 क्रॉस जरूर कर ले, ठीक है. इट मैटर करता है स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर, अर्ली स्टेजेस में मैटर करता है, उसके बाद इट डाइज आउट. लाइक आफ्टर वन जॉब आई थिंक यू विल नेवर, नो वन विल एवर आस्क यू फॉर योर जीपीए, ठीक है. चलो अब मेरे ख्याल कुछ क्वेश्चंस आपके क्या क्वेश्चंस कोई हैं? आई सी अनस आपने हाथ उठाया. जी सर. जी सर, दो तीन क्वेश्चंस हैं. जिस तरह हम सीवी सेट करते हैं, हम कहीं पे भी अपनी सीवी भेजते हैं, वो हमारा बेसिक बता रही होती है कि हम क्या चीज हैं. तो अब जीआईके में अब जिस तरह वर्क एक्सपीरियंस वो लोग मांगते हैं, तो हम लोग नॉर्मली एक इंटर्नशिप करते हैं और जीआईके में होते हैं, तो हमें ज्यादा कोई काम करना नहीं कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि रिमोट एरिया में है, तो हम सोसाइटीज का लिख देते हैं, तो वो कोई इम्पैक्ट डालता है हमारी सीवी के ऊपर. दूसरी चीज के जिस तरह अब लिंक्डइन है, लिंक्डइन भी अगर हम वहां से भी अपना कोई लिंक देते हैं किसी भी कंपनी को या अपनी सीवी में डालते हैं, तो लिंक्डइन कैसे हम अपना सेटअप करें कि वो एक कंपनी का जो एचआर वाला है वो इम्प्रेस हो हमारे से. और तीसरी चीज के अब डिफरेंट जीआईके है, जीआईके के अंदर ऑरिक है, ऑरिक जो है वो काफी लेट हमें भेजती है, क्या कहते हैं जो भी है कंपनीज जो आ रही होती हैं, जिसको पहले मंडी भी कह देते होते हैं कि मंडी लग रही है. तो अब वो चीज जो है अब ऑरिक बहुत लेट भेजता है और बच्चे उस कंपनी के बारे में इतना ज्यादा रिसर्च कर नहीं पाते. तो एक तो आप ये ऑरिक को जो है थोड़ा ट्रांसफर कर दें कि वो लोग जो है हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में ज्यादा रहा करें. दूसरी चीज, एक और चीज ये है कि अब हम लोग डिफरेंट कंपनीज को सर्च कैसे करें. जिस तरह अभी एक कंपनी आई थी, उसका जो है मैं क्या करियर के ऊपर, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे अप्लाई करूँ, तो किस तरह अप्लाई करने के डिफरेंट तरीके भी होते हैं, तो वो भी थोड़े समझा दिएगा. ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपके आए हैं. तो सुहेब और कासिम, आप लोग सीवी वगैरह किस कहां से स्टार्ट करोगे? आई कैन टेक ऑफ द लिंक्डइन वन इफ यू वांट. देखिए, मैं जो पर्सनली मैं आपको बताऊं, फ्रेश ग्रेजुएट सबकी सीवी एक ही जैसी होती है, बट मेक्स अ डिफरेंस इज योर कॉन्टैक्ट्स और योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. सो इफ योर देयर समवन इज हायरिंग ऑन कैंपस, ठीक है, इफ यू हैव बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स देन योर पीयर, they will be impressed ke yaar ye baat hai, theek kar leta ladka, he looks street sharp, theek hai. uske ilawa dekho, main I could never get into a trainee program jo companies hire karti hain, like Nestle, Schlumberger, jo bhi, like you know, so jo apne aap ko jo develop karti hain ladkon ko hire karke, I could never get into any such program, theek hai. lekin
बिकॉज ऑफ माई नेटवर्किंग विद सीनियर्स आई हैव बीन एबल टू लेवरेज माई सेल्फ के कहीं ना कहीं मैं घुस जाता हूँ. ठीक है, आप पहले एच आर को कॉन्टेक्ट ना करें, ट्राई टू फाइंड कोई जीकेएन वहां पे अगर हो, ठीक है, उस कंपनी में अगर जॉब कर रहा है, ट्राई टू कॉन्टेक्ट हिम. ठीक है, हो सकता है वो आपको कुछ आइडिया दे दे कि ये चीज देख रहे हैं बंदे में, या मे बी लाइक यू नो ट्राई गो एंड मीट हिम. लाइक यू नो इफ इफ अगर कराची में है और आप भी कराची के हो, लेट से, ठीक है, और एक सीनियर है जो कि सेम कंपनी में जॉब कर रहा है, जस्ट कॉन्टेक्ट हिम, इनवाइट हिम ओवर टू अ कॉफी और समथिंग. ठीक है, नेवर आस्क दैट यू नीड अ जॉब. ओके, जस्ट टेल हिम यार आओ मिलते हैं, लाइक यू नो लेट्स हैव अ कॉफी, आई वांट सम रेज्यूमे राइटिंग स्किल्स, आपसे मैं सीखना चाहता हूँ. एंड यू नो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. मैं अपनी वही है कि जो मेरी अल्बर्टा में कैनेडा में विदाउट एनी कैनेडियन एजुकेशन, विदाउट ऑयल फील्ड इतनी डाउन थी कि मैं आपको बता नहीं सकता. व्हाट आई डिड वाज कि मैं आया, मुझे एक कंपनी थी वेलटेक, उसमें जॉब मिल पाई. आई लुक के अब मुझे पता है कि हायरिंग कौन करता है, ऑपरेशन मैनेजर ने करनी हायरिंग. ठीक है, अब मैं एचआर या ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया मैंने. व्हाट आई डिड वाज आई टारगेटेड द ऑपरेशन मैनेजर ऑन लिंक्डइन. आई सेंट हिम अ डिसेंट रिक्वेस्ट के आई मूव फ्रॉम इटली, आई वाज वर्किंग इन द ऑयल इंडस्ट्री देयर, आई वांट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द लोकल ऑयल इंडस्ट्री. ठीक है, तो एनी करियर गाइडेंस दैट यू कैन गिव विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी. ठीक है, ओके, थोड़ी बहुत एक दो दफा मैसेजेस का एक्सचेंज हुआ, देन आई फोर्स हिम के अगर मिल ले, ठीक है, दैट वुड बी हेल्पफुल, कि मैं कुछ रेज्यूमे ले आता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही. ठीक है, और इफ यू कुड जस्ट यू नो गाइड मी विद माय रेज्यूमे, आई डोंट नो व्हाट द लोकल रेज्यूमे फॉर्मेट इज. उसने कहा ओके, मेरे ऑफिस के पास ये कॉफी प्लेस है, इधर आ जाओ मंडे को इतने बजे. ओके, मैं पहुंच गया वहां पे. जब मैं वहां पहुंचा तो ही सेड ओके, ऐसे करो कि ऑफिस ही आ जाओ. ही मेट मी बट ही वाज वेरी लाइक कैसे कहें कि वेरी कोल्ड इन हिज इनिशियल अप्रोच टू मी. ओके, उसने मुझे ले गया. मैं आई व्हाट आई डिड वाज आई स्मार्ट इनफ कि आई टुक ऑल द आई न्यू कि क्या फॉर्मेट्स है रेज्यूमे के. आई टुक टू रेज्यूमेस विद मी, टू डिफरेंट रेज्यूमेस ऑफ माई सेल्फ. I met him. I first of all I met him and thanked him. Okay, thank you so much for meeting me. ठीक है, लोग आमतौर पर नहीं मिलते, आप मुझसे मिले हैं, really grateful. आपका ज्यादा time नहीं लूंगा, ये मेरे दो resume हैं, मुझे बताएंगे क्या करना, इनमें से कौन सी ठीक है, क्या चीज डालू, क्या चीज resume निकाल. ठीक है, तो उसमें वो easy हो गए कि यार ये मुझे तंग नहीं करने आया लड़का, आगे होते हैं कि people don't want to deal with it, कि unknown बंदा आके कह रहा है कि जी मुझे जॉब ढूंढ गया. No one has the time, no one has the courage. Why would he bet on someone who he doesn't know at all, right? Met him. Resume discuss hoti gayi, dono resume, he was like, remove this, put some stats here, ye cheez hata do, ye kaise kar do, theek hai. And in between, I knew he was taking an informal interview. Wo mujhse pooch raha tha ki ye cheez kaise karte the, ye kaise hota hai UAE mein, field mein ye kaam kiya hai, nahi kiya, right? So I gauged him that he is like, you know, he's not only fixing my resume, he's also gauging me. Okay. So it's called smart navigation, which I have learned over years, I would say. Dhakke kha kha ke, jo ke main aapko logon ko bata raha hu ki kya aapki approach honi chahiye. Never ask someone for a job. Always ask for guidance. Build a connection. Theek hai. Ke uske dil mein aaye ki yaar ye banda mujhe theek lag raha hai. Let's help him. मेरी उस बंदे से एक घंटे की मीटिंग हुई, उसने मेरे रेज्यूमे फाइनलाइज कर दी, मुझे गेट तक छोड़ने आया. मैंने कहा सर मैं जॉब मांगने नहीं आया था, बहुत शुक्रिया वंस अगेन मिलने के लिए, रियली ग्रेटफुल. मुझे जब वो बंदा गेट पे छोड़ने आया ना, जब मुड़ गया गेट पे छोड़ के, उसके दिल में बात है कि यार ये बंदा जान ठीक लग रहा है. वो मुड़ के आया और उसने फिर भी मुझे ये नहीं कहा कि मेरे पास जॉब है या गया. उसने कहा कि ये जो मैंने तुम्हें चेंजेस बताई है रेज्यूमे में, अगर ये तुम करके भेज दो मुझे आज रात को, तो आई कैन ट्राई समथिंग. ट्राई क्या करना था, ही वाज द हायरिंग मैनेजर टेक्निकली स्पीकिंग, राइट. तो उसने अपने दो कोऑर्डिनेटर से मेरा इंटरव्यू कराया, बट दैट वाज नॉट एन इंटरव्यू, दैट वाज लाइक आई न्यू व्हेन आई मेट दोस गाइस एंड द वे दे वर कम्युनिकेटिंग विद मी दैट आई वाज ऑलरेडी हायर्ड. ठीक है, तो ये तो मैं आ रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था और मैं लाइक आई वॉज एबल टू नेविगेट. लेकिन फ्रेशर के लिए क्या है कि
आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको ये कह के पूरे पाकिस्तान में एक्सपोजर नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम एबीआईबी और लम्स, ठीक है। What you have to do is to be proactive by yourself, approach seniors to get an, even if you're graduated and you can't find a job, there is nothing wrong in starting as an internee. Approach a senior, internship, unpaid internship karne mein to koi issue nahi hai, kara bhi dega senior aapki, theek hai. All you need to do is to build a connection with him, theek hai, that you are capable enough ke tum, jab wo tumhari resume aage karega, तो कल को ये बात ना हो गया यार ये इस बंदे ने रेज्यूमे फॉरवर्ड की थी और ये देखो लड़के का हाँ, ठीक है। तो बी प्रोएक्टिव, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जाके लोगों से मिलो, जॉब नहीं मांगो, रेज्यूमे फिक्स करा लो, उनसे बोलो कि यार सर अगर आप कुछ अरसे बाद उनको बोलो कि जॉब नहीं मिल रही, महीने बाद सेम सीनियर को कॉन्टेक्ट करो कि सर अगर आप अपनी कंपनी में अनपेड इंटर्नशिप भी करा दें तो आई एम विलिंग टू डू इट, ठीक है। These connections that you make while during internships with your seniors, with your day-to-day communications, will take you a long way. ठीक है? Like मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मुझे मेरे अंदर इतना confidence है. Although I've been changing my career all along, I started off as a SAP consultant, then I was a field engineer in the oil and gas industry. ठीक है? फिर मैंने oil and gas अभी recently छोड़ के last year I moved into the analytics space. ठीक है? And I'm working in financial industry right now. ठीक है? नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सुहेब, आपकी बहुत अच्छी सही स्टोरी है एंड दैट रेजोनेट्स। आप लोगों का अनस, आपका जो क्वेश्चन था, रिज्यूमे का फॉर्मेट इतना मैटर नहीं करता, उसमें बहुत ज्यादा ओवर एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं होती कि आपने क्या क्या कर लिया। आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो इस हिसाब से मैटर करती हैं कि इट शोज कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप में लीडरशिप है, ठीक है। सो उस हिसाब तक रखो, उससे ज्यादा उसको नहीं करो। और लिंक्डइन का एक आपको अगर इफ ऑल ऑफ यू हैवंट जॉइंड येट, हमारा एक्चुअली एलुमनाई का अपना एक ग्रुप है, आई कैन शेयर द लिंक इन दिस थिंग। तो आप लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रेजुएट करने से पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर तरीके से बननी चाहिए एंड यू शुड हैव ऑल द कनेक्शंस। जो 6000 एलुमनाई बैठे हुए हैं उनमें से 2500 तो ऑलरेडी लिंक्डइन ग्रुप में है, तो यू हैव एक्सेस टू ऑल द कंपनीज जिनको आप अप्रोच कर सकते हो। और सुहेब की बात यही है और कासिम ने यही कह रहे हैं कि बिल्ड द रिलेशनशिप, क्योंकि एक दफा आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो फिर उससे आगे बात चल सकती है। कासिम, मैं आपके पास बाद में आता हूँ। एक जैन, और आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, कोई क्वेश्चन है आपका? वीपी स्टूडेंट नहीं, क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपनी इनपुट देना चाह रहा था, अगर आप लोग सुन लें तो मतलब आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेशन और मतलब काफी काम की चीजें हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उससे आई कैन टेल यू कि आपका थोड़ा सा तो ये बात जरूर है कि आपका जो सीवी है वो उसमें लोग देखते हैं कि आपने मतलब किन किन सोसाइटीज को किया है, मगर ये कोई मेजर पोर्शन नहीं होता। और जैसे कि सुहेब ने कहा कि उन्होंने दो सीवीज प्रिपेयर किए हुए थे, सो दैट्स एन एक्सेलेंट अप्रोच। और हमें यूजली करना ये चाहिए कि हम जिस भी कंपनी में देने के लिए जा रहे हैं सीवी, हम थोड़ा सा उसको आरएनडी करें और अपने सीवी को थोड़ा सा फोकस्ड करें कि यार इनको किस किस्म की जॉब चाहिए। अगर उन्हें जिस किस्म की जॉब चाहिए, लेट्स से उन्हें डेटा इंजीनियर की चाहिए और आपने उसका कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप उस पार्ट को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दें, तो मेक श्योर कि आप जो है वो थोड़ा सा सीवी टेलर्ड करें अकॉर्डिंग टू ईच जॉब। और फिर मतलब खुद को ना जरा इस उन जूतों में पहन के देखें, सॉर्ट ऑफ एम्पैथी, क्या ये कंपनी मुझे क्यों हायर करे। Exactly. तो वहां पे जाके बताने कि भाई मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूं, ठीक है। और जैसे कि सुभान ने बताया कि जी आप सबका लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना चाहिए, सो दिस इज वन थिंग। और सेकेंडली, जैसे ही आप लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाए तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि जी आप उनका 1 month के लिए प्रीमियम अपग्रेड ले सकते हैं। सो वो 1 महीने में आप उसको प्रीमियम कर लें, उसमें वो कोई पैसे आपके चार्ज नहीं करेंगे। और फिर वहां पे बे इंतहा कोर्सेज हैं जो बताते हैं कि हाउ टू राइट योर रिज्यूमे, हाउ टू गो फॉर एन इंटरव्यू। सो वो कोर्सेज आप 1 महीने में जितने कर सकते हैं ना वो आप कर लें, ताकि यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मार्केट, ठीक है। और जहां तक बात है मार्केट की, सो मार्केट में यह है कि टाइम हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। यानी कि जब हमारा बैच ग्रेजुएट हुआ था तो हमारे जो मतलब सुभान जैसे मतलब थीटा बच्चे थे, तो शायद उनके पास 2-2 दर्जन जॉब्स भी हों।
मेरे जैसे निकम्मे बच्चों के पास शायद 2 से 3 जॉब्स थी, लेकिन और जब मैं गया तो मुझे पता है कि जो मेरी पहली सैलरी थी वो इट वॉज एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000, तो 98 में जो मतलब मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी वो शायद 18,000 रुपए थी, लेकिन और उस वक्त होता ये था कि जो हमारे पास कंपनी में हम इंटर्नीज भी रखते थे उनको हम 10,000 रुपए देते थे, लेकिन उसके बाद और नाउ टॉकिंग 98 में हालात इतने अच्छे थे, और फिर 2000 आया और .com का बर्स्ट हुआ, तो हमने जो ऐसा भी हुआ कि हमने मतलब ग्रेजुएट्स रखे जिनकी पूरी डिग्री हो चुकी थी और उनको हमने 6-6 महीने कुछ पे नहीं किया। सो मार्केट जो है वो ऊपर नीचे जाती है, सो यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है ना। और इसी तरह मैं मतलब सुहेब और वो कासिम की इस बात से भी एग्री करता हूँ कि यार इट्स गुड कि आप देखें कि आपकी क्या ग्रोथ हो रही है प्रॉपरली, 3 साल के बाद आप बिल्कुल गेज करें और फिर देखें एंड यू चेंज दिस। मैं और सुमान शायद ये नहीं कह सकते क्योंकि वी हैव बीन विद सेम कंपनी फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, मतलब आई हैव बीन इन माय कंपनी फॉर अराउंड 20 इयर्स, लेकिन आप ये चेक करते रहे, मुसलसल गेज करें। और अनदर थिंग इज दैट आफ्टर एवरी 6 मंथ यू शुड अपडेट योर सीवी। सो दीज आर फ्यू pointers which I want to give to yours. That's all from my side. That's thank good. You. Good. Thank you. Thank you, Zain. Or koi question? Anybody else? Anas, aapka follow-up question hai? Ek aur koi aa raha hai. Jibran, aapka question. जी सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल रियली नाइस सेशन। और मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ इन जून इंशाल्लाह, तो उस पर मैं मास्टर्स के लिए अभी देख रहा था क्या क्या किन चीजों के लिए अप्लाई करूँ। मैं खुद हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, अब मैं सोच रहा था कि मैं डेटा साइंस वाली साइड पे मास्टर्स करूं, और मगर भी मेरा थोड़ा सा उसमें मुझे एक यूनिवर्सिटी अच्छी लगी थी चाइना में जो करा रही थी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स मैनेजमेंट का, तो उसके हिसाब से मुझे बताना चाहते हैं कि अच्छा होगा कि मैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री करूं आफ्टर माय इंजीनियरिंग। ओके जिब्रान सॉरी, मैं इसका आंसर आपको थोड़ा सा कर दूं। बैच 13 के हैं सलमान अब्दुल्ला, उनका एक यूट्यूब पे चैनल है पीएचडी फॉर इंडस्ट्री। ओके आई थिंक आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप उसका वो चैनल सब्सक्राइब करके यू गो एंड उसका वीडियोस देखो, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपने मास्टर्स या पीएचडी के बाद आपने करना क्या है। ठीक है, यू वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, यू वांट टू स्टे ओवर देयर, यू नो लाइक यू वांट टू गो इनटू एकेडेमिया और व्हाट, यू नो लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो स्टेप अभी लेना चाह रहे हो उसके लिए आप, क्योंकि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं मास्टर्स करके पाकिस्तान आया था, तो अपार्ट फ्रॉम कि ठीक है मुझे थोड़ा नॉलेज और एक्सपोजर, उसके अलावा मुझे उसका पाकिस्तान में एज इन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इफ यू रियली वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, सो उसको देख के आप चलो, इफ यू वांट टू रन योर ओन बिजनेस और समथिंग, आई वुड रियली वांट टू रिकमेंड यू कि आप पहले इंडस्ट्री में 2-3 साल जॉब करो एंड देन यू गो फॉर द मास्टर्स इफ यू वांट टू रन योर ओन बिजनेस, यू नो। सो Yeah, that's a good point. Kasim ne kaha ki end goal aapka kya nazar aa raha hai? Do you want to do job, yeah, do your business, yeah, academia, yeah, research side pe jana hai? To uske hisab se phir aapko thoda bahut, aur agar aapko koi aisa lag raha hai ki matlab usse koi related aapka koi alumni hai jisne wo path follow kiya, you can reach out to them as well. Yeah, mera to job ka hai. Ji ji, pehle aap to. Mera wise job ka plan hai after my masters. Okay. देखिए, पहली बात तो ये है कि वाई चाइना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मोस्ट लाइकली विल लीड्स टू अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सॉर्ट ऑफ अ जॉब दैट लीड्स टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, आई डोंट नो इफ विदाउट नोइंग चाइनीज यू विल बी एबल टू लेवरेज दैट डिग्री इन चाइना। ठीक है, आई डोंट नो, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, राइट? And if you're not able to answer that, you should look for people who graduated from the same program and are Pakistanis or Indians or, you know, not Chinese, and see what they are doing right now. Okay? Engineering management, aap China se karke Pakistan aate hain, not worth it. Okay? I think it's a waste of time. Secondly, aapne baat ki data science, data engineering ki. I would encourage, main khud, like, I'm a double E guy and I'm also leveraging into analytics. Okay? Talking strictly about North American market, even in Pakistan, software industry is doing good, but North American market, it's really hot for like cloud engineers, cybersecurity guys, data engineers, data scientists, data analysts, right? So China mein bhi agar aapne let's say ke 20 lakh lagane hain,
तो मैं समझूंगा कि आप अगर 50 लाख लगा के यूएसए कनाडा आ जाए तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। एंड मेरा अपना छोटा भाई भी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रहा है यहाँ कनाडा से ही, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर। इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब्स इन दैट डोमेन। आप डबल ई के हो, यू नो सम प्रोग्रामिंग, आई वुड पर्सनली रिकमेंड टू फोकस इन टू अ टेक्निकल फील्ड एंड ट्राई नॉट टू गो टू चाइना, मे बी गो टू जर्मनी इफ यू डोंट हैव द मनी, जर्मनी इज चीप एंड All my friends who've gone to Germany, they found jobs. Otherwise, you're welcome to North America if you can spend some more money. Sir, इसका एक follow up है कि मैं ना काफी जगह देख रहा था data science के लिए ना masters की इतनी ज़्यादा scholarships नहीं थी like around Australia वगैरह ना, तो इसमें मैं फिर देख रहा था कि वो direct ना after your graduation PhD की भी option थी, तो आपके ख्याल से PhD करना वो उसके बाद job मिल सकती है या academia पे ही shift करना पड़ेगा after doing a PhD? I'll strongly recommend people who can do it try to get into master's leading to PhD program in US, especially if you can focus into CS side or even electronics. आई नो लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली लम्स में क्या हो रहा है, हमारी थोड़ी अवेयरनेस भी नहीं है जी आई के में, लम्स के सी एस और डबल ई, दे आर मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग दिस, दे आर गोइंग डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन, दे आर गोइंग टू यू एस फॉर मास्टर लीडिंग टू पी एच डी एंड एंडिंग अप फॉर ऑल दिस टॉप कंपनीज लाइक गूगल एंड अमेजोन। यहाँ पे आपकी हायरिंग हो जाती है पी एच डी के साथ एंड दे हायर पी एच डीज इवन फ्रॉम मैकेनिकल। आई नो अ बैचमेट हु इज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड हैज अ पी एच डी इन आई डोंट नो थर्मोडायनेमिक्स और समथिंग and he is working for Apple right now, ठीक है, in California. So if you can do it, just go for a master's leading to PhD. But I'd suggest go to US for that. Yeah, उसमें मैं थोड़ा सा ये add करना चाहता हूँ कि it depends on your interest, ठीक है? अगर आपका interest job करने का है ना, तो आपकी मतलब PhD आप कर लो, बेशक जो मर्जी कर लो, लेकिन आपकी skills matter करेंगी, especially analytics में. मतलब मेरे आई कैन रिकमेंड यू फॉर 5 डिफरेंट एनालिटिक्स रोल, ठीक है, लेकिन वो आपसे मांगेंगे 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम, ठीक है। जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस और जो स्किल्स है ना, वो आप कहीं से कहां से गेन करोगे इसमें, दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, मतलब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने एनालिटिक्स के अपने सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर दैट राउट एज वेल। तो देर आर क्वाइट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज, नॉट नेसेसरली पीएचडी करना चाहते हो, वेल एंड गुड, दैट्स परफेक्टली फाइन। यार किसी और का एक सॉरी हाथ खड़ा हुआ था, सॉरी गो अहेड। दिस इज समथिंग स्पेशली क्योंकि हम काफी ऑडियंस है, नॉट ओनली डबल ई गाइस, आई वुड रिकमेंड मैकेनिकल इवन एमएम गाइस इफ दे कैन एंड इफ दे वांट, व्हाई नॉट। लाइक नहीं मिल रही है, एमएम में जॉब नहीं है, आपको पता है, मैं इवन मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी जॉब्स कम है एंड देन एमएम गाइस आर कंपीटिंग विद एमई गाइस फॉर द सेम जॉब्स। लाइक आई वाज लकी इनफ टू एंड अप इन प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट, व्हाई नॉट डू अ करियर चेंज, व्हाई नॉट यू नो टेक सम कंप्यूटर साइंस स्किल्स, राइट, डू सम प्रोग्रामिंग, यू नो यू कैन, देयर सो मच यू कैन डू, राइट। आई मीन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन समर, आपका आपने रेज किया था हैंड समर का। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मैं आई हैव टू क्वेश्चंस। पहला मेरा क्वेश्चन जॉब रिलेटेड है सर। मुझे ये होता है कि सर देखिए, अभी हम लोग अभी ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, हम लोग कोर्सेज पढ़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। कभी होता है हम कुछ कोर्सेज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ कोर्सेज को हम होता है कि हम एवरेज पे गुजार देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और अब कुछ कोर्सेज का ये है कि फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस, आप इसको देख लें, मेरा एक कोर्स है, मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, सब कुछ किया। आई रिसेंटली हैड अ इंटरव्यू और उसमें उनके ऐसे क्वेश्चंस थे कि मुझे, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप एक अंडरग्रेड के स्टूडेंट से इतने इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही होती कि कंपनी स्टूडेंट्स में क्या देख रहे होते हैं कि वो आप मतलब क्या हम क्या हमें क्या जीके सिखा रही होती है। एक मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमें कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट्स बस गुजार दो, इधर उधर से करके दे दो, ये कर दो वो कर दो, कंपनी क्या देख रही होती है फिर स्टूडेंट्स में, कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हम लोग क्या बहुत मास्टर मतलब कोई मास्टर क्या हुआ है, या हम लोग कोई एक्सपर्ट हैं, या हम लोग क्या है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहे होते हैं, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन समर, इज दैट द ओनली क्वेश्चन या आपका कोई और भी है फर्दर? सर एक और क्वेश्चन ये एमएस रिलेटेड है कि सर आई जस्ट डिसाइडेड, लाइक मैंने बहुत पहले से भी डिसाइड किया हुआ है कि मैंने यूएस में ही करना है,
लेकिन सर अगेन अब हम अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, हम जितना भी सीनियर्स से पूछ लें कुछ भी पूछ लें, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माई सेल्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और मैंने यही सोचा था कि मैं यूएस में जाके मास्टर्स करूँ, लेकिन सर अगेन ये हमें नहीं पता होता कि अगर हम वहाँ जाएँ, मतलब यहाँ जिस तरह सर पाकिस्तान में होता है इस यूनिवर्सिटी में जाओ ये बड़ी अच्छी है, फलां यूनिवर्सिटी अच्छी है, मेरा जब यहाँ तक सीनियर्स से कॉन्टेक्ट रहा है उन्होंने यही बोला है बाहर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाएं कोई नहीं पूछेगा आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, वो आपके स्किल्स देखेंगे, आपको आता क्या है, आप जॉब इंटरव्यू में कभी भी नहीं बताओगे आप इससे हो, तो जो यहाँ चीज है वो वहां नहीं है। तो सर अगेन मतलब वहां पे हमें मतलब इस चीज का एक्सपोजर कैसे मिलेगा अगर हम यूएस को अप्रोच करना चाहें कि हम इस इधर जाएं जीआरई दे के हम क्लियर, मतलब इज इट ओके हम कहीं पे भी चले जाएं और मतलब ये बात ठीक है कि और स्किल्स काउंट करती हैं और ये नहीं। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूं क्योंकि मैं यूएस में हूं और आई डू हायरिंग, आई कंसल्ट और कोच और मेंटर, तो उसमें यस इट इज राइट अप टू अ सर्टेन लेवल के आपकी स्किल्स मैटर करती हैं यूएस में और जनरली बाहर, लेकिन यूनिवर्सिटी डज मैटर आप कहाँ पे आते हैं, और अगर आपने आगे फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज आर सेम, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बायोमेडिकल में जाना है तो मैं उसको जॉन हॉपकिंस ज्यादा रिकमेंड करूंगा, अगर उसका जॉन हॉपकिंस में होता है वर्सेज कोई और यूनिवर्सिटी तो वो जॉन हॉपकिंस को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि दे हैव इंडस्ट्री कनेक्शंस, दे हैव रिसर्च बजट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो थोड़े बहुत उसमें वेरिएशन है, कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ सर्टेन सेक्टर्स में लाइक रोबोटिक्स में अगर आप आना चाहते हैं तो कार्नेगी मेलन इज नंबर वन, राइट, अगर आपका कार्नेगी मेलन हो जाता है तो that would be a preferred choice. So US ka question to is perspective mein I can answer on everybody behalf or I think Sohib can add it. Jo aapka dusra question hai ki employers kya dekhte hain, I think Kasim I would recommend you and Zain kyunki aap log Pakistan mein hiring kar rahe ho to aap log zyada mere khayal mein better answer kar sakte ho, and then we can go to Sohib as well. Zain bhai please go ahead, aap bataye phir main bata raha. Acha main पहले तो थोड़ा सा जिब्रान पे बात करना चाह रहा हूँ। जिब्रान आपका जो सवाल था इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के हवाले से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, एकेडेमिया साइड पे शिफ्ट होना चाहते हैं या अपनी फील्ड को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, और सेकेंडली मतलब एंड दिस इज माई एडवाइस इफ यू आर फ्रॉम जीआईकेआई मतलब तो यू शुड बी अ गुड इंजीनियर, और आपको एटलीस्ट अगर आप डिग्री करना चाह रहे हो मास्टर्स और अपने पहले 3 से 5 साल में करना चाह रहे हो तो देन इट शुड बी अ टेक्निकल डिग्री, नॉट समथिंग रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूं इसके बावजूद कि मैंने खुद आई एम मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और मैंने ये मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया था जॉब करने के 13 साल के बाद, जब मैं जॉब भी कर रहा था और उसके साथ साथ मतलब आई वॉज एट अ पोजिशन एट अ मतलब मैं डेवलपमेंट मैनेजर था फॉर द लास्ट प्रॉब्ली 8 or 9 years, और उसके बाद मैंने फिर उस तरफ शिफ्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अब जो फर्दर लेडर है वो मैनेजमेंट की साइड पे होगा। और देखिए मैनेजमेंट की तो ये मतलब इस तरह की चीज है कि आप कभी भी कर सकते हैं, बट अगर आप शुरू शुरू में करना चाह रहे हैं सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू डू आवर टेक्निकल डिग्री, ठीक है। और बाकी लोगों ने बता दिया आपको कि why is it's better to go and do it from US, और अगर आप US से नहीं करते तो do it from Europe, Germany or something like that. China में language is a big barrier और उसकी degree की इतनी value भी नहीं है, ठीक है। So this is about the Jibran. अब हम आ जाते हैं समर की तरफ, जहां पे समर कहती है कि जी यूनिवर्सिटीज मतलब जो कंपनीज वाले हैं वो हमसे पता नहीं कोई मुश्किल मुश्किल से सवाल कर रहे होते हैं, तो समर उसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम मुश्किल मुश्किल सवाल कर रहे होते हैं ना समटाइम्स हमें पता होता है कि भाई ये जो मैं बल्कि आप तो बहन हो गई कि मसला ये कि मैं ये नहीं देख रहा हूं कि आप इसका जवाब दे सकती हो या नहीं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इज कि आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या आप उस सवाल को बार बार ट्राई कर रहे हो, अगर आपको एक तरीका नहीं आ रहा तो आप उसे मल्टीपल तरीकों से देख रहे हो, क्योंकि आई नो कि ये मतलब बच्ची है इसने इतना इसका एक्सपीरियंस है इसने इस लेवल का नहीं होगा, बट आई वांट टू लुक एट योर एटीट्यूड, क्या आप फॉरन गिव अप तो नहीं कर रही, क्या आप मल्टीपल अप्रोचेस के बारे में सोच रही हो या नहीं सोच रही हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक लिमिटेड पूल है और उसमें सारे बच्चे जो आ रहे हैं उनमें 18-20 का फर्क है, और मतलब
फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये बता दूं कि मैंने 2014 या 2015 में जीआईके में भी पढ़ाया है और नस में भी पढ़ाया है एज अ विजिटिंग फैकल्टी. सो मतलब फर्क डेफिनेटली है दोनों इंस्टीट्यूट में. लेकिन मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो मैं मतलब यूनिवर्सिटी मतलब बिल्कुल मैटर नहीं कर रही थी, बल्कि हर बंदे का पर्टिकुलर एटीट्यूड कर रहा होता है कि यार क्या वो सवाल देने के लिए तैयार है या नहीं है. ठीक है, तो उस हवाले से हम ये देख रहे होते हैं कि आप सवाल को किस तरह अप्रोच कर रहे हो. ठीक है, सो आई होप आई क्लियर. अगर कोई और फर्दर सवाल है तो आप पूछ सकती हो. कासिम और सोहेल, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई वुड जस्ट ऐड के जब मैं हायरिंग कर रहा होता हूँ तो जैन भाई का तो एक्सपीरियंस ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा है. मैं शायद बहुत बुरी हायरिंग करता हूँ, लेकिन यह कि मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि यू नो लाइक आई वॉन्ट टू सी के उसके अंदर हंगर कितना है, विलिंगनेस कितना है उसको काम करने के लिए, उस जॉब के लिए उसका कॉन्फिडेंस कितना है. जैसे इन्होंने कहा कि एटीट्यूड क्या है उसका, मैं ये नहीं देख रहा होता कि वो सही जवाब दे रहा है. देखिए, वी आर देयर टू गाइड यू, वी आर देयर टू टीच यू. लाइक यू नो पहले आपका दो साल तो आपके वैसे भी वही होते हैं जो आप सीख रहे होते हैं, हम आपको सिखा रहे होते हैं. लाइक वी आर इन्वेस्टिंग मनी, वी आर इन्वेस्टिंग टाइम. वी जस्ट वांट टू सी कि वो हम कोई ऐसा कैंडिडेट ना उठा लें कि जिसपे हम अपना टाइम जायक कर दें और इस तरह की चीजें, उसमें विलिंगनेस भी ना हो. एंड यू नो लाइक द कंपनी इज रिग्रेटिंग द डिसीजन कि वो आपको हायर कर रहा है इस तरह. लाइक ऑनेस्टली मैं इस चीज को ऐसे लिंक करूंगा, थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि मैं बीइंग अ जेकेएन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जीआईके का बंदा हायर करूँ. और मैंने ऑरिक से बहुत दफा रेज्यूमेस मंगवाए और मैंने बुलाता ही सिर्फ जेकेएन्स को था इंटरव्यू के लिए. और लिटरली उनको जब पता चलता था कि आगे जेकेएन बैठा है तो वो तो उनका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता था. यानी ना वो ऐसे आते थे कि पता नहीं पार्क में आए और हम वैसे ही बस एक कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे कोई सीन ही नहीं है ना कि इंटरव्यूज देने आए हैं. और वो यानी कोई उनका जैसे हम क्लास में आते थे शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के, तो वैसे ही वो ना बिल्कुल ही ऐसे जूते का रंग कुछ और है, उसका कुछ और है, शर्ट कैसी पहनी है, लाइक दे एक्चुअली डोंट नो. तो वो आप थोड़ा ना रेडी होके और अप्रोच हम देख रहे होते हैं वहां पे भी एक्चुअली कि वो किस तरह अप्रोच कर रहा है उस चीज को, उस विलिंगनेस कितना है, हंगर है उसमें, वो स्पार्क है या नहीं. मैं आई जस्ट टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग. हमारा दोस्त ही है तीसरा अहमद, जिसके साथ हम ये सारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी. रात को 11 बजे मैं एक लड़के से, उन दिनों आई वॉज हायरिंग अ गाय, आई वॉज लुकिंग फॉर अ गाय कि यार मुझे एक बंदा चाहिए था अपनी इसी फर्म में. उसका कजन ही था जिकियन, उसने कहा यार मिलो. रात को 11 बजे मैं उससे मिला और मैं 5 मिनट में उससे मिला और मैंने उसे हायर कर लिया अगले दिन. लिटरली लाइक ऐसे भी हो जाता है. इट्स अगेन अबाउट नेटवर्किंग एंड दैट स्पार्क. आई जस्ट वांटेड टू सी दैट स्पार्क इन हिम. मुझे पता था यार उसकी इंडस्ट्री न्यू है, सब कुछ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं उससे सीखा, वो सीख लेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वो उसको कर लेगा, कैरी फॉरवर्ड कर लेगा. ये चीज हम सब देख रहे होते हैं. या सो मेरा क्वेश्चन ये था कि रिमोट इंटर्नशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि लाइक रिसेंटली मैंने की थी, इट वाज इन द यूएस और मुझे लाइक एक्सपोजर मिला के लाइक बाकी जो यूएस यूनिवर्सिटीज हैं लाइक उनके ग्रेजुएट्स इन पैरेलल क्या कर रहे हैं और हमारे क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो मुझे वहाँ पे मतलब लाइक काफ़ी अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ के इन टर्म्स ऑफ द पीपल आई मेट, इंक्लूडिंग डैनियल केएमबी और एलेक्स लेबो जो कि एक्चुअल स्नैपचैट में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थे. तो मुझे ना जरा इस फील्ड का बता दें कि ये जो आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और इसका लाइक प्रोडक्ट मैनेजर की जो फील्ड होती है यार, मेरा उसमें रिमोट इंटर्नशिप जिस किस्म की भी हो, चाहे आपको वॉलंटियर काम करना पड़े, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड मैं एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ. ठीक है, अगर आप इवन अभी स्टूडेंट हो और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ask for any opportunity. हम मतलब take any opportunity. और as far as what you are saying कि product management में actually हमारा एक alumni है फहद, और वो he's now in Facebook. तो he's actually doing some product management sessions online. आप उनको join कर सकते हो और and you can take it wherever you want to take it and he's the expert. He's looking for Fahad hai, main ek minute naam aapko bata deta hu. Fahad I'll type it in the window. Acha, aur one more thing ke mujhe na ye gpa ke thode se buffers bata dein ke acha agar maine let's just say ke 5 years from now like agar hum target set karte hain ki humne ek mba ki profile banani hai to usme let's just say कि आपका GPA 2.6 है, C, you graduated with a C 2.6, आपका GRE बहुत अच्छा है, let's just say 320 plus है, and you have a decent enough work experience,
डिसेंट इनफ मींस के मतलब आपने कुछ लाइक इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप लीडरशिप डेवलपमेंट रोल्स में इनिशियली हायर हो गए, ठीक है, तो क्या एक वो अच्छी एमबीए प्रोफाइल है, ठीक है, लाइक इस एमबीए प्रोफाइल के मतलब जीपीए का थोड़े से बफर्स बता दें कि अगर कोई मैंने जीपीए के अलावा चीज शाइन करवानी है प्रोफाइल में तो लेट मी, मैंने जो एमबीए किया था ना, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से, ठीक है, तो एमबीए इज अ वेरी आई कॉल इट, इट्स नॉट, इसको एज अ बैचलर्स नहीं लो, एमबीए इज एन एक्सपीरियंशियल डिग्री, मतलब उसमें आप एक्सपीरियंस जितना आपका पहले करोगे उसके बाद आपने करना किया उस एमबीए का आगे उसकी बेसिस पे होगा, तो व्हेन यू आर रेडी फॉर द एमबीए डोंट बिल्ड योर करियर फॉर डूइंग एमबीए, ठीक है, डोंट टारगेट एमबीए एज योर एम, एमबीए इज जस्ट एन एनेबलिंग स्टेपिंग स्टोन इनटू व्हाटएवर यू वांट टू अचीव एट द एंड, ठीक है, तो मैं जब किसी को एमबीए के लिए गाइड करता हूँ या मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है एमबीए क्यों कर रहे हो, ठीक है, मैंने एमबीए किया था, मुझे आई वांटेड टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, मेरे साथ जो मेरे यूनिवर्सिटी में थे, एक्चुअली आई ऑप्टेड आउट ऑफ इंजीनियरिंग क्योंकि मेरे साथ न्यूरोसर्जन थे और मेडिकल के डॉक्टर्स थे, बिकॉज आई वॉज लर्निंग उनकी टेक्निक्स क्या है, सो आप अगर एमबीए को फोकस कर रहे हो और आगे जाके, तो एमबीए इज नॉट योर एंड पॉइंट, आई थिंक इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा आप रीटेलर कर लो, जरा रीफोकस करो कि एमबीए इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, एंड वी कैन हैव अ ऑफलाइन चैट अगर आपको एमबीए के बारे में और चाहिए, ठीक है, अच्छा वो नाम टाइप कर दें प्लीज, नाम हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ वो सैयद फहद खालिद है, और एक सॉरी मैं कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हुए, शामीर, हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा सवाल बेसिकली मास्टर्स से रिलेटेड है कि सिंस हम अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं और ज्यादातर लोग कहते भी हैं कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो फिर जाना जॉब साइट पे, तो मेरा सवाल ये है कि मास्टर्स करने का बेसिकली राइट टाइम क्या है, अब आपको पता है मास्टर्स अगर एक बंदा करता है मास्टर्स करने के बाद निकलता है फील्ड में तो ज्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो रिक्वायर होती हैं कि एक्सपीरियंस हो, तो अब एक बंदा डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स कर रहा है फिर उसका पीएचडी कर रहा है तो उसके बाद ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज होती भी अकेडमी साइड पे, तो एक बंदा जो जॉब करना चाहता है कॉर्पोरेट साइड पे तो उसके लिए मास्टर्स करने का सही टाइम क्या होगा, पहले ग्रेजुएट होके थोड़ा वो जॉब कर ले एक दो साल उसके बाद मास्टर्स करे, और अगर वो जॉब फॉर एग्जाम्पल दो तीन साल जॉब करता है वो और वहां पे ग्रो कर रहा है तो क्या मास्टर्स करने की वजह से जरूरत है कि नहीं है, तो इस पे जरा आप गाइड कर सकें। तीन चीजें, एक पाथ है पीएचडी, ठीक है, जो कि अगर आप यूएस साइड से कर लेंगे तो इफ यू कैन इवन गो इनटू अ टेक कंपनी उनके किसी आरएनडी में यू कैन वर्क इन एनालिटिक्स और यू नो, एक तो वो पाथ है और एकेडेमिया, तो वो पीएचडी का एक ये पाथ है, ठीक है, फिर जो जॉब्स हैं उनमें भी दो तरह की जॉब है, एक टेक्निकल जॉब्स होती हैं, ठीक है, जो कि जैसे योर सॉफ्टवेयर डेवलपर और योर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, ठीक है, रिले प्रोटेक्शन इंजीनियर और व्हाटएवर, ठीक है, दीज आर लाइक टेक्निकल फील्ड, ठीक है, देन देयर आर जॉब्स लाइक नेस्ले के मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पीएनजी का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है, अब अगर आप इफ यू आर गोइंग इनटू एन एम्प्टी प्रोग्राम मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, ठीक है, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट सूटेड, यू वोंट बी डूइंग अ टेक्निकल मास्टर देन, राइट, तो उनका तो फिर पाथ निकल जाता है एमबीए में, ठीक है, और दे जस्ट कीप ग्रोइंग और बाद में एग्जीक्यूटिव कर लेते हैं, या लेकिन जो टेक्निकल भी फील्ड है उसमें भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक दो साल का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए बिफोर कमिटिंग टू अ टेक्निकल मास्टर्स डिग्री, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सब जूनियर्स को कहूंगा कि आप समर में फारिग बैठने के बजाय आपको कहीं पे भी फ्री इंटर्नशिप करनी पड़े गो फॉर दैट, ठीक है, आप बाय द टाइम यू ग्रेजुएट डोंट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के वो आपको इंटर्नशिप करा के देगा, जस्ट रीच पीपल फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर लेंगे, फ्री में करनी पड़ती है फ्री में करें, दैट इज व्हाट विल बिल्ड योर कनेक्शन एंड विल बिल्ड योर हैंड ऑन स्किल्स एंड इट विल गिव यू एन एक्सपोजर कि अच्छा ये चीजें हैं इनमें से मुझे क्या करना है, मुझे क्या ज्यादा, मैं किस चीज के ज्यादा सूटेड, तो ये इट्स अ मिक्स, सही सही, गुड, ओके ओके, अशर आपका हो गया आई थिंक, और तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ हाँ लाइक मेरा हो गया,
अच्छा कासिम, आपने हैंड्स रेज किया हुआ कुछ हाथ? नहीं ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू एक्चुअली एडवाइस, अभी हमारे पास टाइम है सुभान भाई या थोड़ा सा और लाइक व्हाट वी कैन स्टे नेक्स्ट। यूसुफ जफर, आपने आपने कोई क्वेश्चन करना था? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, मैं सीएस का अंडर ग्रेड हूँ बैच 29 से। अच्छा। तो मेरा सवाल असल में यह है, क्या हमें मास्टर्स और पीएचडी करना जरूरी है किसी अच्छी कंपनी में जॉब लैंड करने के लिए यूएस कनाडा उस साइड पे? और मेरा सवाल यह है कि वो पाकिस्तान से ही क्यों हायर करेंगे, जबकि जैसे इंडिया हो गया वो आईटी की फील्ड में हमसे बहुत आगे हैं, तो हमारे अंदर ऐसे कौन से स्किल्स होने चाहिए कि वो हमें हायर करें? Yeah, मैं उसका that's a good question. मैं सुहेब can answer also. Let me cover US. US में definitely actually यहाँ पे आजकल जो डिबेट चल रही है ना वो ये चल रही है कि आपको ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत ही किया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इवन जो हमारी इवन मेरी बेटी भी ग्रेजुएट ऑलमोस्ट जाने वाली है अंडर ग्रेड में, तो डिस्कशन यहाँ पे ये चल रही है कि वट इज द वर्थ ऑफ अ डिग्री, जबकि आपको स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, और स्पेशली अब ये जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो एक सर्टिफिकेशंस आ गई हैं, तो वो उसको इस तरह सेल कर रहे हैं कि आपको डिग्री की जरूरत ही नहीं है, आपने बजाय इसके कि आप $100,000 की डिग्री आप लो, आप हमारे साथ 6 महीने का ये कोर्स करो विच इज 1/3 और 1/4 और 1/6 ऑफ द कॉस्ट। तो पॉइंट मेरा ये है कि डिग्रीज की वैल्यू अब उतनी नहीं रहेगी, आगे फ्यूचर में स्किल्स की वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये बात हमारे जमाने में शायद इतनी नहीं थी, जब मैं और जैन और हम लोग ग्रेजुएट किए हैं 20 साल पहले, तो उस वक्त डिग्री को मानते थे, अब ऐसा ऐसा डिग्री की जो एक पेपर वैल्यू है वो कम हो रही है। आई एम सेइंग इट इन दिस फोरम, आई नो कि आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हो, डजंट मे बी इट्स वेरी डीमोरलाइजिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, लेकिन स्किल्स ज्यादा मैटर। तो उसमें स्किल्स मैटर। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप पाकिस्तान से आओगे तो आप में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे होंगे, आपके यहाँ पे जो लोकल हैं और चाइना इंडिया बाकी सारी दुनिया से इट्स ग्लोबल वर्ल्ड नाउ, तो यू विल बी मेजर्ड अगेंस्ट स्किल्स और एक्सपीरियंस। तो जितना आपका कॉन्फिडेंस होगा, जितनी आपकी स्किल्स होंगी, जो आपका एटीट्यूड होगा, दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट। मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि आपने सवाल किया है कि भाई यूएस की डिग्री, लेकिन सुभान भाई की बात ठीक है कि इट्स अ स्किल्स दैट मैटर्स और डिग्री सेकेंडरी होती जा रही है ओवर टाइम। ठीक है, बट द थिंग इज कि यू आर इन पाकिस्तान, ठीक है, हाउ डू यू गेट टू द यूएस? हाउ डू? हां जी, ठीक है जी, फॉर दैट मुझे वो प्रिविलेज नहीं मिला कि मैं स्टैनफोर्ड से पढ़ा हूं या हार्वर्ड से। जी नहीं है, लेकिन यू कैन स्टिल गो टू अ सेकंड ईयर थर्ड ईयर college and like you the thing is ke aap pakistan mein baithe hain, google amazon ko koi nahi interest ke aap you know baithe hain, unless ke aapko bahut cheete hain, unke crack kar lete hain online ya somehow a recruiter ends up looking at your profile and he you know aapka interview ho jata hai, right? How do you get to that interview? theek hai, how do you get to us? jidhar aap you can compete to baad mein karenge na, pehle to aapko market mein aana hai, theek hai, so for that degree is the only path. aapka green card to hai nahi, theek hai, तो उसके लिए आपको you go through a path of education, okay, you go there, you know, you get OPT or whatever, right? And then obviously you compete on your skills, ठीक है? लेकिन बात वही है कि मेरा एक दोस्त है, डेटा इंजीनियर है, ठीक है, वो अब he's in a senior position में आ गया है, अब वो कहता है यार मैं बंदे ढूंढता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी मिल जाए कोई, लेकिन नहीं मिलते लड़के, ठीक है, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं वो पाकिस्तान बैठे डिप्रेस हुए हुए हैं कि भाई क्या करना है। तो मैं तो सबको ही मशवरा दूंगा भाई कि प्लॉट है ना, घर वालों का एक भी प्लॉट है, अगर बेच के किसी तरह यूएस वगैरह पहुंच सकते हो, निकल सकते हो, ठीक है, डू इट एंड देन वर्क हार्ड इनफ टू जस्टिफाई इट, ठीक है। तो लाइक यूएस पहुंचोगे तो आगे कम्पीट करोगे ना, जब पहुंचोगे तो पाकिस्तान में बैठ के क्या करोगे? ठीक है, पाकिस्तान में ठीक है जॉब्स मिल भी जाएंगी, बट स्टिल देयर विल बी सर्टेन यू नो बैरियर्स है, तो टू ओवरकम दोस बैरियर्स यू हैव टू गो थ्रू द एजुकेशन पाथ। अच्छा, एक और इसमें मैं एक और सेक्टर आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आजकल अगर यूएस और कनाडा के मतलब थोड़े बहुत इमिग्रेशन इश्यूज भी चल रहे हैं, राइट, तो एक और ट्रेंड यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है जिसको हमने आप अगर फॉलो कर रहे हो, उसका नाम है वापिस्तानी। अच्छा, ठीक है, इसमें ये हो रहा है, इट्स अ न्यू टर्म जो कि एक और हमारे जिके लिए मनाया आतिफ आवान, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसने ये कॉइन किया है कि जो लोग हम यहाँ पर हैं 15-20 साल से,
now we are in a position, we are going back to Pakistan. ठीक है? So there is a lot of alumni which is going back to Pakistan to work in some and starting up their own startups. और उनको भी अच्छे टैलेंट की बहुत जरूरत है. ठीक है? उसमें हमारे काफी ज्यादा जीटीज वापस गए हैं. अवैस अंजुम है, ठीक है, ई मम्बा, अली रिजवी इन ई मम्बा, आतिफ अवान इन कराची फॉर इंडस वैली कैपिटल. तो कनेक्ट विद देम एज वेल बिकॉज दे आर ऑल्सो दे हैव गॉन थ्रू द जीकी. उनका जीकी कनेक्शन भी है और उनका एक ये फायदा है कि दे कैन एक्चुअली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, दे कैन टेक अ बेट ऑन यू based on their experiences in outside Pakistan and they are looking for the talent and they can groom the talent as well. So make sure unko bhi jaan karo yaar, unko aapko search karna padega. Kindly unke names yeah. text kar dein aap jo LinkedIn group hai na us pe aapko chalta rahega. Avais E Mamba jo unse hai, theek hai, company E Mamba mein hamare do senior hai, yes, aur Atif Awan hai. तो हम उनके पोस्ट्स लगाते रहते हैं लिंक्डइन पे भी और सोशल मीडिया पे भी. बट जस्ट कीप एन आई, इट डजंट नीड टू बी जिकियन, इट कैन बी एनीबडी. नस वाले जा रहे हैं, ब्यूटी के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इज रैम्पिंग अप प्रीटी क्विक. सो मेक श्योर कि आप लोग उसमें अपने थोड़े हैंड्स डर्टी करने के लिए भी रेडी रहो. उसकी काफी आजकल अपॉर्चुनिटीज निकल रही है पाकिस्तान में भी, एंड देन दे दैट कैन लेवरेज यू टू कम टू यूएस एज वेल. ठीक है, और हमारे पास टाइम अभी है, रोक सकते हो आप. सोहेब आपके पास है? ओके, सभी कैन सो. अच्छा, आई सॉ अब्दुल राफे. जी वालेकुम सलाम सर, मैं अब्दुल राफे भट्टी फ्रॉम जीआईके बैच 29 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक सोहेब साहब मेंशन के हम लोगों के पास एक वे थ्रू, मतलब एक चैनल होना चाहिए जिस तरह हम मास्टर्स के लिए यूएस आते हैं ताकि हम यहाँ पर लिंक्स बिल्ड अप कर सकें इन ऑर्डर टू अचीव मतलब जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज. तो सर आई हैड अ क्वेश्चन के अभी भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हम क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो मेरे जहन में यही सवाल आया कि देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ऑफरिंग एक्सचेंज प्रोग्राम, मतलब पार्शल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर अ सेमेस्टर या टू. तो सर डू यू थिंक दैट वो भी एक अच्छा तरीका है कनेक्शंस बिल्ड अप करने के लिए, कि ताकि मतलब हम अपना एटलीस्ट अगर हम उसको इन शॉर्ट कह सकें तो वो एक मास्टर्स के जो है ना वो एडमिशन अचीव करने के लिए एक जो है वो एक तरीका है या एक उस चैनल बिल्ड अप हो जाता है. वेरी सर्टनली, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. लाइक दो सेमेस्टर जीआईके में लगाने से बेहतर है कि आप दो सेमेस्टर एमआईटी में लगा लो, राइट? इट्स लाइक इवन एनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी और इट कंप्लीटली चेंजेस योर प्रोफाइल, इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. ठीक है, ऑल आई वुड से इज के व्हेन हमारी लाइक मैं भी जब आप लोगों की पोजिशन में था तो आई फेल्ट वेरी एंटाइटल्ड के यार मतलब कि जॉब नहीं होती, ये हेल्प नहीं करते. Over time you learn के कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता, आपने अपनी हेल्प खुद करनी होती है. ठीक है, पीपल कैन हेल्प यू टू अ सर्टेन लेवल, राइट, बट इट्स यू हू हैज टू डू द हार्ड वर्क. ठीक है, तो उसमें वही है कि आई वुड सजेस्ट के डू मोर इंटर्नशिप्स, नेटवर्क फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर डिग्री, लाइक कीप गुड कनेक्शंस, लाइक बी प्रोएक्टिव, यूज लिंक्डइन. ठीक है, दुनिया में कई अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी एक्सचेंज प्रोग्राम्स की, मुझे नहीं पता, नहीं होती ना, आई वुड हैव अवेल्ड देम, राइट? So and share those if you find something, share it with your peers. ठीक है, तो जितना आपका कह लें कि global exposure बढ़ेगा, industry exposure बढ़ेगा. यहाँ पे University of Waterloo है कैनेडा में, by the time उनका जो graduate होता है bachelor's का, CS की बात कर रहा हूँ strictly, उसका तकरीबन 1.5-2 साल का experience होता है after that 4 years degree. क्यों? क्योंकि वो हर summer में they do वो इंटर्नशिप करते हैं, उनके उनका कल्चर यूनिवर्सिटी का ऐसा डेवलप हो गया है कि वो एवरी सेमेस्टर दे डू इंटर्नशिप्स एंड दे एंड अप डायरेक्टली इनटू कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल एंड व्हाट नॉट, राइट, आईबीएम, यू नो. तो अब आपको जी आई के पाकिस्तान में ओवरऑल नहीं है कल्चर, ठीक है, इसको डेवलप करना और आप कवर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसमें यही है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर निकलने की, इंटर्नशिप करने की, वॉलंटियर करने की. ठीक है, मेरी जो लास्ट जॉब हुई है, मैंने अभी ट्रांजिशन किया एनालिटिक्स में,
I had to start as an internee and I was willing to work free of cost. At this age. So don't be shy to do anything. Just get your hands dirty with whatever you find. ठीक है, मैं कभी मेरे पास अभी पिक्चर नहीं पड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑयल फील्ड में मैं क्या क्या करता था, हथौड़े चलाने से लेके और यू नो, तो वो लाइक थिंग, मतलब आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ सीनियर बैठे हैं और हम तो भाई अच्छे बड़े अच्छे दौर में ग्रेजुएट हुए थे. दौर जो है ना बैच वन के बाद खराब ही होता जा रहा है सबका. ठीक है, बैच वन का ही दौर अच्छा था, उनसे भी पूछोगे वो भी रोएंगे. ठीक है, तो जस्ट बी प्रोएक्टिव और मतलब जस्ट कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट गो फॉर इट. या नहीं, ये बात सही कही है सुहेब ने कि जो बात है ना, आप अपने एक्सपीरियंस से जो सीखोगे वो हम आपको इस तरह के डिस्कशंस में इतना शायद ना बता सकें. सो यू हैव टू, उसमें चाहे आपको वॉलंटियर कर रहे हो किसी के साथ, चाहे आप किसी के साथ कम्युनिटी सर्विस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब मेरे जो मेजर कनेक्शन बने हैं वो एक्चुअली कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट से बने हैं. हमने एक द सिटीजन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स करते हैं इस तरह, और प्रोजेक्ट टोपी के साथ और इस तरह जितने भी हैं. तो इट कैन, नेटवर्क कैन बी बिल्ड एनीवेयर, और वो आपको इस, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बिल्ड करोगे नेटवर्क के मुझे जॉब चाहिए, आप नेटवर्क बिल्ड करोगे नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए. इट्स फॉर द फ्यूचर, यू बिल्डिंग योर फ्यूचर एक्चुअली. ये LinkedIn, it's so useful, honestly. ये तो सिर्फ आप jobs की बात कर रहे हो. At this point of my career, actually, we use LinkedIn to generate business. Since I'm into sales and business development, तो as Suhaib said, it's not like ये सीधे ही उसको कह दिया कि यार I want your business, you know, give me a $10 million business या इस तरह, like, but you know, slowly and gradually you build relationship with the guy, and eventually they end up giving you, you know, like huge chunk of their business, if not the whole one. तो उसमें अच्छा एक वो टूल है. दूसरा, यू नो लाइक जैसे सुभान भाई ने कहा, वी आर जस्ट हियर टू गाइड यू, वी कैन एडवाइज यू. एग्जीक्यूशन आपने खुद करनी है, यू नो लाइक उसमें सही करोगे गलत करोगे सीखोगे. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई एम श्योर के GIK इतना सिखा ही देता है, इतना भी बुरा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत कुछ सिखा देता है. तो यू नो यू आप अच्छा सीख लोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे. अभी हमने भी बहुत गलतियां की हैं यार, कि पढ़ लेते उस वक्त, ये कर लेते वो कर लेते, बट वी ट्राई टू यू नो डू सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कोई नहीं कह सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स में सिखाया जाता है पहले सेमेस्टर में कि सेल्फ असेसमेंट करो. तो आप उसको अगर सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आप बहुत कुछ अपने अंदर भी जो खामियां उनको ठीक करोगे, और यू नो लाइक यू कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ. उसमें मेरी सिर्फ दो तीन चीजें थी जो मैं काफी देर से मैं कर रहा था, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे. जो मैं इंटरव्यूज करता था जेकियंस के, मैं करता रहा. एक इसने जैसे सुहेब ने कहा, इवन फॉर अ जेकियन मैं अपनी रिप्यूट क्यों खराब करूंगा अपनी कंपनी में, यू नो लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. आई हायर्ड अ गाय फ्रॉम बैच 22, अच्छा लड़का था. मैंने उसको कहा कि यार तुमने 2 साल मुझे देने, ही वॉज अ फ्रेश ग्रेड. उसने कहा मैं आपको दूंगा एंड ऑल दैट, यू नो आई फॉट विद माय बॉस कि नहीं यार मैंने उसे देना. एंड ही लेफ्ट आफ्टर 3 months. ऑनेस्टली इट वाज नॉट लाइक आई वाज नॉट पेइंग हिम वेल, यू नो लाइक आई वाज अनलाइक जो मैं किसी और को सपोर्ट देता, मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया. बट जेकियंस की मार्केट में एक ये चीज है कि यार वो बड़ी जल्दी ना छोड़ जाते हैं यार, वो टिकते नहीं है एक जगह. ऑनेस्टली इवन फ्रेश ग्रेड्स भी कर लो, ये इवन हमारे बैचेस में भी यही हालत थी. तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रेक्टिफाई. उसके बाद थोड़ा ना अडैप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जैन भाई ने एक चीज पॉइंट आउट किया, ये बहुत जरूरी है. सुहेब ने जैसे कहा कि ऑयल फील्ड पे उसने हथौड़े चलाए, ऑनेस्टली लाइक 2 years अगो मैं और मेरा एक बैचमेट, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वी हैड टू मीट द डेडलाइन, और हम साइट पे रात को सहरा में मुजफ्फरगढ़ का एक एरिया था जहाँ पे सिर्फ एक हॉस्पिटल है, और लेटे हुए थे वहां पे फर्श पे रात को. सो यू नो लाइक यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक यू नो यू हैव टू स्वेट लॉट, आपको वो खून जो है ना वो बहाना पड़ता है अपना. ऐसे आप नहीं वो करते, ऐसे मिल जाते हैं आपको. सॉरी सॉरी, सैफ ने हाथ खड़ा किया है कुछ. सैफ का क्वेश्चन, सैफुल इस्लाम सदीकी, आपका, आपने हैंड रेज किया हुआ है. अच्छा चलो, आई थिंक वी हैव अरसलान. अरसलान आपका कोई क्वेश्चन है? अब्दुल हादी आपका, मैं आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द मिड. जी अब्दुल हादी, कि अब जैसे मैं सीएस में बैचलर्स कर रहा हूं तो उसमें ना बहुत सारी आगे फील्ड्स हैं जिनमें से मैं चूज कर सकता हूं, कि साइबर की साइड है, एआई की है. अब हर कोर्स करके लगता है अच्छा हाँ ये भी सही है ये भी सही है, अब किसी एक में ही करना है तो उसको लाइक किस तरह से जस्टिफाई किया जाए कि
इस चीज में लाइक काम करूंगा तो मजा भी आएगा और लाइक बोझ सा नहीं लगेगा, कि वो स्पेसिफाई स्पेशलाइजेशन किस तरह से चूज की जाए। यार सॉरी इफ आई मे, सुहेब सुभान भाई आप लोग अगर बोल। नहीं नहीं आप बात करो। यार मैं आपको बताऊं, दिस इज एग्जैक्टली द सेम वे, नहीं पता होता एट दिस स्टेज, आप सही कह रहे हो, लेकिन आई थिंक मैं फिर वही कहूंगा कि सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। मैंने पहला जॉब शुरू किया, मुझे ये था कि यार बस डेस्परेट था किसी तरह घुस जाऊं, ठीक है फाइन, बट यू नो देन आई रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि यार दिस इज नॉट मेंट फॉर मी एंड आई शुड मूव ऑन, आई शुड मूव इनटू यू नो आई हैड दिस, मुझे अपनी स्किल दिखानी थी, मुझे अपनी एक रिप्यूट बिल्ड करनी थी, दैट आई डिड, और उसके वजह से मुझे जो है ना एक ऑफर हो गई और पोजीशन जहां पे मैं चाहता भी था और चला भी गया। दिस इज समथिंग ओनली यू कैन टेल ऑनेस्टली, ये कोई कोई भी नहीं बता सकता। इसमें आई थिंक सेल्फ असेसमेंट इज द की, कि आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो, किस तरह चाहते हो, एंड गोल क्या है आपका, गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अगर है आपके पास तो ऑनेस्टली आप मेरे ख्याल में कर सकते हो, आप पता चल जाएगा आपको कि आपको क्या चीज इंजॉय करते हो आप, मे बी आप इन तीनों में से कुछ भी ना इंजॉय करते हो, यू नो लाइक ऑल टुगेदर आपको एट द एंड ऑफ द डे पता चले कि सीएसई एंजॉय नहीं करते हो आप, तो मैकेनिकल ज्यादा एंजॉय करते हो। बिल्कुल लाइक आई हैड अ फ्रेंड, जो मटेरियल्स साइंस का ग्रेजुएट था मेरे साथ यार, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा था। यू नो लाइक एक वैसे लगती है वाइल्ड थॉट लगती है कि यार एमएम का बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स करने चला गया यूके में, बट यू नो लाइक इफ यू लुक एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, वो एक नैनो टेक्नोलॉजी के साथ, यू नो नैनो टेक्नोलॉजी में सब कुछ आ जाता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, मटेरियल साइंस भी आ जाता है, सो ही वाज लिंकिंग दिस विद इट, सो ही माइट हैव बीन एंजॉयिंग दैट थिंग। तो वो आपको ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सपीरियंस किस तरह का है। इसी तरह मैं एक सीएस के लड़के को जानता हूँ, मेरा बैचमेट ही है, उसने मास्टर और पीएचडी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में की है, क्योंकि वो रिजर्वायर मॉडलिंग वगैरह उसको पेट्रोलियम का शौक था। He does reservoir modeling, he uses programming to model oil reservoirs, ठीक है? तो ये थोड़ा ब्रॉडन करें अपने आप को, मैं सारे जूनियर्स को, ये हमें भी बहुत लेट पता चली ये चीजें जो हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है, कि मतलब इफ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम एमएम और आपको जॉब नहीं मिल रही, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, देयर सेल्स, देयर यू नो सप्लाई चेन, ठीक है, देयर लाइक you're interested in programming, do programming, right? You can do anything that you want to do. All you need to do is to put hard work, effort and dedication, network and also pray at the same time that, you know, you're able to leverage that. मैं बहुत ज़्यादा focus करता हूँ networking के ऊपर, क्योंकि मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूँ। मैं ये एडमंटन अल्बर्टा की मिसाल है। मस्जिद के बाहर जुम्मे के वक्त एक गोरा लड़का आके खड़ा हो जाता था, ठीक है, और वो क्या करता था कि जो लोग आते थे जुम्मे के लिए, उन्होंने इमाम साहब से इजाजत ली हुई थी, उसने वो क्या करता था कि आप जैसे आए, आप गाड़ी मस्जिद के गेट के ऊपर आप आए, आप गाड़ी चाबी उसको दे, वो लड़का खुद ही जाके गाड़ी पार्क करके एक जगह पे चाबी खड़ी कर देता था, ठीक है, और जब आप निकलते थे तो आपको चाबी आपकी दे के कहता था आपकी गाड़ी उधर खड़ी है, ठीक है। व्हाट हैपेंड ओवर टाइम इज दैट ही कॉट एन आई ऑफ अ गाय हु वाज सीनियर पोजीशन इन सनकोर एनर्जी, ठीक है, मुस्लिम गाय, तो उसने पूछा कि यार कि क्या करते हो ना तुम, क्या कर रहे हो, कहता मैं वैसे ही बस मुझे अच्छा लगता है ना, ठीक है, कि आप कम्युनिटी सर्विस, क्रिश्चियन गाय मस्जिद के बाहर पार्किंग कर रहा है, उसने वैसे ही फिर हेलो हाय हुई उसकी, अच्छा भाई आप क्या करते हो, वो कहता है जी मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, इस चीज में मेरी ग्रेजुएशन है, आजकल मैं जॉब हंट कर रहा हूँ, आई डू कम्युनिटी सर्विस ऑन द साइड, यू नो। That guy got hired in Suncorp because the other guy, he had the power to hire. Simple as that, right? Yeah. There are so many things, like, you know, life is so diverse. You know, yeah. Just think out of the box. Exactly. नहीं सोहेब सही कह रहे हैं, ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये they can leverage as well. तो आपका जो question था कि what you want to try a few things. और आप कुछ ऐसे भी होंगे उसमें आपको फील होगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप फेल हो गए, बट एटलीस्ट यू नो व्हाट यू डोंट लाइक। मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे एक्चुअली जीआईके में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स तो हमें पढ़ने पड़ते थे, लेकिन मुझे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्सेज का काफी शौक था, एंड आई यूज्ड टू टेक सम एक्स्ट्रा, एंड मुझे उसका उस वक्त नहीं इतना पता लग रहा था कि क्या उसकी वैल्यू होगी, लेकिन अब व्हेन आई एम बैक इन जनरल इलेक्ट्रिक, जो जहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना, GE is all about supply chain management and operational management. So
आपको नहीं पता होता आप क्या सीख रहे हैं, बट यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रिफ्लेक्ट बैक. और वो सुहेब की जो स्टोरी है, इस तरह की कई स्टोरीज वी कैन शेयर अगली दफा इंशाल्लाह. एक और क्वेश्चन मुझे, अब टाइम अगर कम हो रहा है और वी कैन कंटिन्यू, मतलब कोई मसला नहीं है, हमारा तो यहाँ पे वीकेंड है, कासिम की आप लोगों की देर हो रही है. I'm available. आप लोग ये बताओ कि ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो डू यू गाइस वांट अनदर सेशन ऑन सम डिफरेंट टॉपिक सो वी कैन अरेंज इट एज वेल. मतलब कासिम और सुहेब भी अवेलेबल हैं, बट वी कैन मेक अदर एलुमनाई अवेलेबल. आर देयर एनी स्पेसिफिक अदर टॉपिक्स जो के आपको वेयर यू नीड हेल्प? So I'm seeing a lot of yes, yes, okay. Chalo, theek hai, inshallah. But any other questions, any other final thoughts or anything else? Suhaib or Kasim, thank you very much. Yaar, bada maza aaya. Kuch message kiya hai ki Aslan naam ke ladke ne, kuch, he has some question. Arsalan, I'm a mechanical engineer, graduated in 2019 from JK. I have been in oil and gas construction field since 2019. Can you please guide me about MS program and job? Okay. Arsalan, aapka mic kaam nahi kar raha to acha theek hai. Arsalan, oil and gas, I was in oil and gas also. Oil and gas ka aajkal zara patta baitha hua hai, to be honest. Agar aap, if you want to reach out to any one of us, we can discuss further. There are opportunities related to oil and gas. Main abhi recently moved kiya hun. I was in oil and gas and I moved out of oil and gas. Meri suggestion ye hai ki aap apne skills ko is tarah apne resume mein project karo so that they are leverageable outside oil and gas industrial sector mein. तो एक जो लेसन मैंने लर्न किया वो ये है कि अगर आप एक सेक्टर में कुछ अर्से के लिए काम करते हो ना, वो जो जैन की बात एक उसने की थी कि जॉब के लिए अपना रिज्यूमे को टेलर करो. तो अगर एक कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आपने ऑयल एंड गैस की सीखी, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, और अगर आप सेक्टर चेंज कर रहे हो तो आपको वो ऑयल एंड गैस की टर्मिनोलॉजी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि अगला जो दूसरे सेक्टर का बंदा है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके. एग्जाम्पल उसकी ये है कि मैं ऑयल एंड गैस से अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में जा रहा हूँ, गूगल में काम प्रोग्राम मैनेजमेंट ही होगा, फर्ज करो. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल. आई वॉज डूइंग प्रोग्राम मैनेजमेंट इन ऑयल एंड गैस, आई एम गोइंग टू डू प्रोग्राम मैनेजमेंट इन गूगल, लेकिन मुझे अपना रिज्यूमे इस तरह प्रोजेक्ट करना है कि आई एम शोइंग माय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट स्किल्स, नॉट स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री. सो उसको एक टर्मिनोलॉजी में यूज करता हूँ, इसको इंडस्ट्री डीसेंसिटाइज करना है अपने रिज्यूमे को. सो दैट इज वन टेक्निक जो कि आई लर्न इट रिसेंटली एंड आई कैन हेल्प. और सुहेब, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? या, मैंने भी यही किया. आई वाज अ प्योर फील्ड इंजीनियर इन ऑयल एंड गैस, ठीक है, बट अगेन आई वाज डूइंग लॉगिंग ऑफ ऑयल वेल्स, राइट. Technically, it was data that I was analyzing, but in a totally different perspective with a very specific software of that company. Okay, and I didn't have to code, right? Because the software was doing everything for me. But what I did was I upgraded myself, learned some SQL and, you know, basic dashboards and, you know, basic Python and all. Okay, and I was able to leverage that because I showed on my resume that I was doing similar. I didn't tell them कि मैं टूल बनाता था और ऑयल वेल के अंदर उसको रन करते थे और रिग अप होता था और यू नो दैट स्टफ. What I did was I focused on the things that was common. Data को एनालाइज करता था, डिसीजन मेकिंग कर रहे, उसकी वजह से इतनी प्रोडक्शन इम्प्रूव हुई क्लाइंट्स की, ठीक है. जनरलाइजिंग, यू नो, जो स्किल्स आपके, let's say you learned operation management, आप, you dealt with different teams while doing that, right? Gave you multicultural exposure. इन इस तरह की चीजों को ज्यादा आप हाईलाइट करें इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी फोकस्ड के भाई मैं ऑयल एंड गैस के टर्मिनल के बॉयलर की कंस्ट्रक्शन कराता था, ठीक है. तो यू नो जस्ट उसको हाँ यू नो जस्ट लाइटन इट अप और होप फॉर द बेस्ट. सही, थैंक यू. और कोई क्वेश्चंस? आई एम चेकिंग द चैट विंडो, अगर मैंने किसी का स्किप कर दिया तो नाउ इज द अपॉर्चुनिटी. सुहेब और कासिम, आपके एनी फाइनल वर्ड्स और एनीथिंग यू वांट टू ऐड बिफोर वी क्लोज? मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि जिन लड़कों को जॉब नहीं मिल रही वो सीनियर्स को अप्रोच करें. करियर चेंज करने में कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है. यू नो, इसका ये मतलब नहीं है कि अ डिसीजन जो आपने 18 साल की एज में लिया था, इट शुड नॉट हॉन्ट यू ऑल योर लाइफ, ठीक है.
अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये अक्सर इंटरव्यू में भी एक दिन मैंने ये बात की हुई है, ठीक है, कि भाई आप पूछ रहे यार तुम तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, तुम क्या ये कर रहे हो राइट बटा, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, मैंने कहा द ओनली थिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग हैज टॉट मी इज टू लर्न, ठीक है, एंड यू नो वंस यू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस दैट इवन इफ आई एम एन एमएम गाय आई कैन स्टिल लाइक यू नो learn something completely new, or if I was bad at programming, let's say 5 years ago, why not give it a shot again with more dedication? Because you are young, you're not focusing, right? Okay. Maybe if you give it a more focused chance, or maybe you will like it, or you will be able to do it. It's not like you have to be the best coder, okay? But all the company wants is that you should be able to code or build, you know, an app or whatever, right? Because if you can build those skills in you, then you can even switch from MM to be a software developer, or you can be basically build the courage in yourself that you can be anything. Okay, work hard for that. Or if Pakistan mein aapko nahi mil rahi opportunity, ek baat hai. Just matlab niklo, bahar niklo, kuch aur karo. Jao matlab US jaake degree kar lo, theek hai. कुछ भी कर लो, चाइना से डिग्री मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा चले जाओ चाइना, चाइना तो देखने को मिलता है ना, why not? कासिम, या मैं सेकंड करूंगा सोहेब को इसी चीज पे कि करियर चेंज से डरना नहीं चाहिए। आई थिंक सम टाइम इट बिकम्स वेरी यूजफुल कि आप लोग करियर चेंज करते हो और वो बहुत बेहतर चीज एक एंड प्रोडक्ट निकल आता है उसका। दूसरा, नेवर शाय अवे फ्रॉम यू नो आस्किंग फॉर एनीथिंग, वेदर इट्स हेल्प और एनीथिंग, वेदर पर्सनल है या प्रोफेशनल है, कुछ भी हेल्प चाहिए। एंड डू टॉक टू पीपल, यू नो लाइक आप अक्सर बैठे होते हैं, हम सोशलाइज जरूर करते हैं लेकिन हम गलत सोशलाइज बहुत ज्यादा कर लेते हैं। लाइक इफ आई गो टू अ कैफे, लोग जाते हैं, हम लोग पार्टी वार्टी करते हैं लेकिन साथ बैठे होते हैं तो कोई, अगर मैं अकेला बैठा हूँ थोड़ी देर में मुझे 5-10 मिनट बंदा एक मिला है, इफ आई असेस के यार वो बंदा रीजनेबल लग रहा है थोड़ा और वो ऐसी बातचीत कर रहा है तो आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, मेरा कनेक्शन बन जाता है। सो रैंडमली आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो आपको बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो आप उनसे कर सकते हो। दूसरा, उसके अलावा ये है कि आप अपना फोकस बिल्कुल सही रखें एंड प्लीज इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर नेवर रन आफ्टर मनी। पैसा खुद ब खुद आ जाता है, आप लोग अपने करियर पे फोकस करें, अपनी रिप्यूट बिल्ड करें, मार्केट में पैसा खुद ब खुद पीछे आ जाएगा। और प्लीज गूगल, अमेजोन और इन सब कंपनियों के अलावा भी दुनिया है तो कोई बात नहीं, अगर यू कैन नॉट गेट इनटू गूगल और अमेजोन या स्लम में उसके अलावा भी बहुत दुनिया पड़ी हुई है, यू कैन फाइंड उसके बाहर ज्यादा अच्छी दुनिया है। मतलब आप सुभान भाई मिले हैं, अब आप सुभान भाई से पूछेंगे सर आप क्या है जी, क्या क्या करती है, कैसे घुस सकते हैं जी में, ठीक है, क्या चल ओवरऑल, मतलब आप नहीं सुभान भाई से जॉब नहीं मांग रहे आप, ठीक है, लेकिन नाउ दैट यू नो दैट यू देयर इज अ कनेक्शन दैट वर्क्स फॉर जी, ठीक है, ट्राई टू ब्रॉडन योर यू नो नॉलेज ऑफ इट, जस्ट यू नो डिस्कस, जस्ट बिल्ड अ कनेक्शन, राइट, इट्स सिंपल एज दैट। बिल्कुल बिल्कुल। सो हैव एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई डू नॉट नो यार, एक तो बात ये कि नियॉन गाय जो है ना इसका रियल नेम होना चाहिए भाई, जो भी है यार कमेंट छोड़ दो भाई। तो वो पूछ रहा है, चाह रहा है यार कि आपका करियर चेंज एमई से सीएस में कैसे, आई थिंक ही वांट्स टू डू दैट एज वेल। मेरा एमई से सीएस नहीं है, मेरा तो डबली से सीएस है और वो भी मैं अभी ऑन द वे, लाइक आई मीन बिटवीन, ठीक है, आई एम नॉट एन एनालिटिक्स एक्सपर्ट और समथिंग बट आई एम ट्राइंग, राइट, I'm not there yet, but I'm confident and hopeful that I will be in some time. Lekin, I know people, I know a batchmate, he's a mechanical engineer, but now he's SAP ABAP lead developer for Siemens in Pakistan. ठीक है, वो मैं हमारे होते हुए जब मैं KSC में एक साल जॉब की थी, उसको शौक था शुरू, he liked doing, although he ended up in mechanical engineering, he always wanted to be in the CS space. उसको computer के हमसे बहुत ज़्यादा knowledge था back in the day and he had the latest machine at that time, ठीक है, so now he is working, you know, तो वो mechanical को आपको पता है कितनी coding कराते हैं, लेकिन सीख गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो you can do anything, like, you know, just also put your mind to it, you will be able to do anything you want to do. Exactly. चलो, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने बहुत, इट वाज गुड सेशन एंड रियली एंजॉयड इट, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और लास्ट थिंग मैं ऐड कर लूं, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, लाइक यू नो ये एब्सोल्यूट ये चीज हमेशा ये वो रखनी है, ये मैं भी भूल रहा था मेंशन करना,
ऑलवेज 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 ठीक है वंस यू अचीव समथिंग ठीक है डू नॉट फॉरगेट द पीपल हु हेल्प यू गेटिंग देयर मतलब बी अ रोल मॉडल एंड ट्राई टू बी अ मेंटर फॉर योर जूनियर्स एंड ट्राई टू गाइड योर फ्रेंड्स एंड योर जूनियर्स एज मच एज पॉसिबल ठीक है हमेशा हेल्प किया ठीक है बट यू हैव टू बिल्ड एन अप्रोच टू इट टू सीक दैट हेल्प ठीक है वो होपफुली यू गाइस कैन लर्न सूनर सो थैंक यू सोहेब आरटीएन गाइडलाइन आपकी क्या कोई आपका क्वेश्चन आ रहा है यस आई एम अ बिट लेट सॉरी मैं थोड़ा बिजी था तो एक क्वेश्चन था मेरे ज़हन में तो मैं क्या पूछ सकता हूँ अभी जी फरमाए अच्छा सबसे पहले सुभान भाई थैंक यू वेरी मच फॉर आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और दूसरी चीज ये है कि मेरा क्वेश्चन था कि जीपीए अगर इनकेस के कट ऑफ 2.8 मोस्टली यही हमें बताया जाता है सीनियर्स की तरफ से कट ऑफ 2.8 से ऊपर होना चाहिए और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा एम है पर्सनली कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन आई वांट टू डू जॉब वन और टू इयर्स देन आई वांट टू इंप्रूव माय सॉफ्ट स्किल्स उसके लिए मैं एमएस के लिए लाइक यूएस या यूके से को अप्रोच करने के लिए तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कि मुझे क्या एम रख के जीपीए वाइज को करिकुलर वाइज और आगे चूंकि मैंने फर्स्ट 2 से 3 ईयर जॉब्स करनी है देन एमएस तो इसमें मुझे क्या एम रखना चाहिए ओवरऑल यार फैकल्टी कौन सी आपकी आपकी फैकल्टी कौन सी केमिकल इंजीनियरिंग देखो बात सुनो यार सॉफ्ट स्किल जो है ना वो आपने बात की है कि आप वेट करोगे सॉफ्ट स्किल डेवलप करने का उसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है सॉफ्ट स्किल्स आपकी आज से आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है उसमें तो वेट करने की कोई जरूरत नहीं है और दूसरा ये है कि आपने जॉब करनी है केमिकल के बाद और आपने केमिकल की फील्ड में करनी है तो मेरी सजेशन तो आपको ये होगी कि आप अपनी एलुमनाई को कंपनीज को उनको देखना शुरू करो जो आप जहां पे आप करना चाहते हो फॉर एग्जांपल केमिकल में यूएस में यहाँ पर डाउ केमिकल इज वर्ल्ड रीनोन ठीक है अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो स्टार्ट लुकिंग इन टू के हाउ यू गेट इंटर्नशिप इन टू दैट थिंग या आपके कोई कनेक्शन हैं और हाउ यू गेन योर एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे So that would be my suggestion, but Suhaib or Kasim, aap usko further. बिल्कुल I agree with you on this. Unfortunately, chemical अभी start किया है मुझे इसका इतना idea नहीं है लेकिन ये कि जैसे उन्होंने कहा आप उसको सर्च कर सकते हो लिंक्डइन पे बड़े आपके मिल सकते हैं अलमना इवन आप सुभान भाई ने बीच में भी एक दफा पॉइंट आउट किया कि आप NUST को UET को उनके ग्रेड्स को भी कर सकते हैं अप्रोच इसमें ऐसी कोई बात नहीं है वो भी आपको अच्छा गाइड कर देंगे सिंस दे आर रनिंग द केमिकल प्रोग्राम फॉर इयर्स नाउ तो वो आपको बता देंगे बाकी इट डिपेंड आप अभी 2-3 साल जब जॉब करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग में भी आपने किसके अंदर स्पेशलाइज करना है तो इट वुड बी अ गुड थिंग आई थिंक इट्स गुड कि यू गो फॉर दिस थिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल टेक यू अलॉन्ग वे Even if your GPA is not that good, communication skills अच्छे हैं तो कभी-कभी वो उसको cover up कर भी लेता है। Okay, thank you. I got your point. Thank you very much. चलो, okay, okay यार, thank you very much, Suhaib. Again, thank you, Kasim. आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आप सब लोगों का भी बड़ा शुक्रिया. Inshallah, we will continue on this subject. और हमारा एक actually WhatsApp group बना हुआ है जो आपके society और clubs के लीड्स हैं उनके साथ तो अगर कोई और टॉपिक्स चाहिए तो वी कैन अरेंज दैट एज वेल अगर आप लोगों की कोई भी है यू कैन जस्ट ईमेल और लिंक्डइन पे हम तीनों का चारों का प्रोफाइल है ज़ैन इज आल्सो हियर सो जस्ट रीच आउट टू अस फॉर एनीथिंग या कोई भी टॉपिक्स आपको चाहिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल प्रीटी मच सुभान भाई ने कहा आप लोग अपना जीआईके के एलुमनाई ग्रुप जो है लिंक्डइन पे वो कर लो I'll also start posting jobs on it. मेरी कंपनी में positions आने वाली भी हैं जो नए grads हैं या even last year के grads हैं उनको मैं बता देता हूँ एक कुछ interesting positions हैं तो I'll post them like in a month's time max. तो just keep looking for it. इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा. Especially MS group में और chemical वाले खास तौर पे contact करें कासिम खटक साहब से. और
जो लिंक्डइन का ग्रुप है मैं उसका मॉडरेटर हूँ मेरे पास okay. आप लोगों में से किसी भी कोई चाहिए आपको कोई पोस्ट करना है मेरे पास जो जॉब्स आती रहती है मेरे पास भी वो सारी जॉब्स उनमें से मैं कोई हायरिंग नहीं कर रहा होता मेरे सारे नेटवर्क वाले मुझे भेज रहे होते हैं सो आई कीप पोस्टिंग इट तो आप लोगों के भी कोई अगर चाहिए कोई हेल्प चाहिए रीच आउट टू मी डायरेक्टली स्टार्ट अप अ डिस्कशन इट्स मोर और वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली जीआई के एलिमेंट आए हैं सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डिस्कसिंग एनी टॉपिक एक्चुअली उसमें पुराने हमारे एक्चुअली जो एक दो फैकल्टी मेंबर्स भी हैं दे आर आल्सो इन देयर एज़ वेल सो फील फ्री टू लेवरेज Can we get the recording link of this meeting? Yes, I am recording. I will inshallah share. Yes, that is one thing ke hamara jo alumni ka account hai, we are able to record. So I will share inshallah the recording. Thank you very much, guys. Thank you, yaar. Kuch after thoughts ho, kuch bhi ho, so please feel free to contact, connect kar lo aap. We'll be there inshallah to help you guys. Jitna hum kar sakenge, zarur karenge. Inshallah, stay in touch. Okay. Thank you. Okay. Good luck to everyone. Take care, everyone. Thank you. Thank you, Zain bhai. Thank you. Thank you. Zain, khudafiz. Take care, Allah.